A very good evening to all of you, friends. We'll start the class at 9 p.m., so, some three more minutes to go. One more minute to go.

गूगल क्रोम ब्राउजर यूज़ करिए कोई एड ऑन है तो उसको डिसेबल करिए एंड सिमिलरली कोई भी आपको एजुकेशनल डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हैं थ्रू द गूगल फॉर्म जिसका लिंक ये बॉक्स के ऊपर एकदम टॉप में मैंने पिन करके रखा है आज हमारा लेक्चर है इकोनॉमिक कोर्स शुरू करने वाले तो इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक कोर्स एंड सम पार्ट्स ऑफ यू सबसे पहले बात करेंगे ये अनएकेडमिक कोर्स या प्लेटफॉर्म तो मेरा ये आज का जो नया कोर्स शुरू हो रहा है उसके टारगेट यूजर्स कौन है फिर ये हमारा अन अकेडमी का जो प्लेटफॉर्म है उसको यूजर इंटरफेस कैसे यूज़ करते हैं ये स्लाइड डाउनलोड करने के लिए क्या वीडियो रिकॉर्डेड देखना है तो क्या वगैरह हमारी क्लास की टाइमिंग क्या होगी डाउट एफ पूछने का फॉर्मेट क्या है हैंड आउट पावर पॉइंट कैसे डाउनलोड करते हैं और उसका फॉर्मेट क्या है देन आई विल टॉक अफ्यू थिंग्स अबाउट यूपीएससी प्रिपरेशन इन जनरल जनरल स्टडीज न्यूज़पेपर, करंट अफेयर नोट मेकिंग कुछ टाइम वेस्ट कैसे ना हो उसकी कुछ बातें फिर हम लोग जाते हैं इकोनॉमी प्रिपरेशन इन स्पेसिफिक कि ये कोर्स के अंदर प्रीलिम और मेंस के कौन सी चीज़ें मैं कवर करने वाला हूँ क्या आपने कुछ अलग से रीडिंग लिस्ट में पढ़ना है एंड सम अदर एफिक रिलेटेड टू इकोनॉमी और उसके बाद हम लोग एंटर करेंगे इकोनॉमी एज अ टॉपिक इट और शुरू करेंगे मनी सिस्टम पार्टर सिस्टम से सो वन बाय वन विल स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन ये जो इकोनॉमी का कोर्स है उसका हु इज द टारगेट ऑडियंस फॉर दिस उससे पहले बड़ा सवाल ये है कि प्रीलिम 2021 कब होगी प्रीलिम 2020 हमको जानते हैं कि अक्टूबर के फर्स्ट वीक में होने वाली है बट व्हाट अबाउट नेक्स्ट ईयरस प्रीलिम उसका कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट या क्लैरिफिकेशन आना बाकी है लेकिन अब जानते हैं प्रीलिम होता है मेन्स होता है फिर इंटरव्यू और उसके बाद फाइनल रिजल्ट अगर हम लोग टू को देखें मेन्स एग्जाम शुरू हुई दिसंबर के अंदर और फिर उसके बाद मेंस का रिजल्ट आएगा फिर इंटरव्यू होगा फिर इंटरव्यू के बाद फाइनल रिजल्ट आएगा और वो फाइनल रिजल्ट आते आते हो जाता है थर्टी फर्स्ट मे ऑफ द नेक्स्ट ईयर तो कुल मिलाकर मे स्टार्ट होने से लेकर फाइनल रिजल्ट आने तक कितने दिन हुए अराउंड वन एटी सिमिलर सीन टू थाउजेंड सेवनटीन और एटीन में भी आप पाएंगे अराउंड वन एटी डेज तो निकल ही जाते हैं टू थाउजेंड नाइनटीन का अभी नहीं बोल सकते क्योंकि उसके आधे इंटरव्यू हो गए और आधे बाकी है मतलब ये बात तो हम देख सकते हैं कि मेंस एग्जाम शुरू होती है उसके बाद मेंस का रिजल्ट फिर इंटरव्यू फिर फाइनल रिजल्ट तब तक एटलीस्ट वन एटी डेज या छः महीने का समय काल हो जाता है और वो मेंस और फाइनल रिजल्ट आने के बाद आफ्टर दिस फाइनल रिजल्ट कम्स उसके बाद बीस से पचास दिन में नेक्स्ट एग्जाम साइकिल की प्रीलिम होती है यू नो दैट इस बार बिकॉज ऑफ कोरोना लॉकडाउन ये प्रीलिम एग्जाम अक्टूबर के फर्स्ट वीक में होने वाली है फिर मेन्स एग्जाम अगले साल 2021 और उसके जनवरी के वीक टू से शुरू होने वाली और हम लोग ये 180 डेज के लॉजिक को अगर मान के चले कि जब मेन शुरू होती है उसके भी 180 दिन के बाद फाइनल रिजल्ट तक हम लोग पहुंचते हैं इफ़ दैट इज द केस तो उस हिसाब से अगला प्रीलिम 2021 का प्रीलिम कब होना चाहिए मे बी इन द फोर्थ वीक ऑफ जुलाई और सम अदर टाइम नाउ दिस इज प्योरली स्पेक्यूलेशन मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ यूपीएससी ऐसा करेगी लेकिन हमें कम से कम कुछ अंदाज होना चाहिए कि अगले साल प्रीलिम्स कब हो सकती सो अकॉर्डिंगली सबसे पहला प्रश्न फ्रीक्वेंटली आज क्वेश्चन नंबर वन कि ये जो कोर्स है इकोनॉमिक का ये किस लोगों के लिए है 2020 की तैयारी करने वालों के लिए या 2021 की तैयारी करने वालों के लिए सो द फर्स्ट आंसर इज प्राइमरीली इट इज मेंट फॉर 2021 की प्रीलिम प्लस मेन्स के लिए हम लोग टारगेट कर रहे हैं सो प्रेजेंटली वी आर हियर ये जून महीने के अंदर हम लोग अभी हैं और ये काम शुरू कर रहे हैं ये जो मेरा कोर्स है ये शुरू होगा आज से और फिर जुलाई अगस्त सेप्टेम्बर सेप्टेम्बर एंड तक इसको खत्म करने का मेरा टारगेट है सो इन दंथर प्लानिंग टू फिनिश दिस ट्वेंटी ट्वेंटी वो है अक्टूबर के फर्स्ट वीक में 2021 की एग्जाम के डेट्स कौन से होंगे हम नहीं जानते बट मे बी हम सोच के चले जुलाई में होने वाले सो लाइक दैट यू हैव अराउंड वन ईयर टू प्रिपेयर फॉर इट तो अलग अलग स्टूडेंट्स को डाउट पहले ये होगा कि हमने ये वाला कोर्स अटेंड करना चाहिए कि नहीं तो इन सभी स्टूडेंट्स को मैं डिवाइड करता हूँ पहले ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने कभी मेरा इकोनॉमी का कोर्स पहले देखा नहीं और उनमें से कुछ ऐसे होंगे जो कि 2021 को टारगेट कर रहे हैं आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो 2020 को टारगेट कर रहे हैं और फिर दूसरे ग्रुप में ऐसे स्टूडेंट होंगे जिन्होंने मेरा पहला कोर्स कहीं पर अटेंड किया है और फिर वो वापस आए कि ये कुछ नए अपडेट्स आएंगे तो हमको प्रीलिम ट्वेंटी में उसका क्या लाभ है कि नहीं हमने बैठना चाहिए कि नहीं सो वन बाई वन लेट लेटेस्ट क्लियर दिस थिंग्स सबसे पहला टारगेट ऐसे लोग जिन्होंने कभी मेरा प्रीवियस कोर्स इकोनॉमी पर अटेंड नहीं किया और जो 2021 को टारगेट कर रहे हैं उन्होंने क्या करना है मेरी प्रोफाइल पर जाओ अन अकेडमी डॉट कॉम स्लैश एट मृणा डॉट ओ आर जी और हमें अभी जो पढ़ रहे हैं ये वाला कोर्स यानी ये जो 18 जून से शुरू हुआ जिसको ब्लू कलर में मैंने मार्क किया है बस इसी को आप बुक मार्क करके रखिए और यहाँ पर हफ्ते में चार दिन जो लेक्चर होते हैं रात को नौ बजे यू जस्ट अटेंड इन सिक्वेंशियल मैनर वन टू थ्री फोर करके इससे पहले जो मेरे कोर्स हो चुके हैं जैसे फेब्रुआरी टू मे मंथ में था लास्ट ईयर अक्टूबर से फेबरुअरी तक था वो सबको आपके देखने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि वहां पर जो पढ़ा था और उसके आगे भी जितने नए अपडेट्स हैं वो पूरी चीज हम लोग यहाँ पर ये नए कोर्स में वापस से देख रहे हैं सो दिस इज डन दैट न्यू स्टूडेंट उनका काम हो गया साथ ही साथ आपको ये डाउट होगा कि ये सर आपने शुरू किया है जून महीने से ये खत्म होगा सितंबर में और आप बोल रहे हैं कि 2021 की एग्जाम वो तो नेक्स्ट ईयर होगी तो ये कोर्स खत्म होने के बाद भी नए साल का 2021 का बजट आएगा इकोनॉमिक सर्वे आएगा हर महीने कुछ ना कुछ इकोनॉमी के करंट अफेयर्स होंगे तो उन सब का क्या मैं अभी से 2021 का आपका कोर्स पढ़ रहा हूं तो अगले साल मैं ज्वाइन करूं तो अच्छा नहीं रहेगा ज्यादा अपडेटेड माल मुझे मिल जाए मेरा जवाब है आप अभी इसको खत्म करिए सुनर यू फिनिश द इकोनॉमी इज बेटर क्योंकि फिर आपका इकोनॉमी कंप्लीट है तो आप न्यूजपेपर करंट अफेयर्स को अच्छी तरह से बाकी सभी महीनों में समझ पाएंगे और जहां तक ये बात है कि सितंबर में ये कोर्स खत्म होगा और नए साल में मान लीजिए नेक्स्ट ईयर की प्रलिम जुलाई में है तो बाकी सब महीने में अपडेट होंगे उनका क्या बजट इकोनॉमिक सर्वे जो भी आएगा उसकी कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है मैं उसके लिए अलग से विन ट्वेंटी वन एक सीरीज बना दूंगा जो फ्री में सबको मिलती रहेगी पुराने स्टूडेंट नए स्टूडेंट तो ऐसा नहीं हर बार कुछ नया खरीदते खरीदते चलते रहना है जस्ट वंस यू फिनिश दिस कोर्स बट एक बार इसको पूरी शिद्दत से कंप्लीट करो तो यानी 2021 वालों के डाउट यहाँ पर क्लियर है नाउ सेकंड सेट ऑफ स्टूडेंट्स जिन्होंने कभी मेरा कोर्स अटेंड नहीं किया लेकिन वो अभी यहां पर आए हैं और उनका टारगेट है कि हम ये अक्टूबर में जो 2020 की प्रीलिम होने वाली है 2020 की प्रीलिम अक्टूबर फर्स्ट वीक तो हमने ये कोर्स अटेंड करना चाहिए या पुराने वाले कोर्स के वीडियो देखे हम क्या करें उनके केस में मैं कहूँगा आप मेरी प्रोफाइल पर जाओ वन अकेडमी डॉट कॉम स्लैश एट मुनाल डॉट ओ आर जी ये जो प्रेजेंट कोर्स चल रहा है जहां पर मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ जून वाला कोर्स इसको आप पढ़िए लेकिन असेंडिंग ऑर्डर में मतलब वन टू थ्री फोर करके जो भी हर वीक हमारे क्लास चलते हैं उसको आप अटेंड करिए पैरेलली आपने एक और भी काम करना है मेरी प्रोफाइल पर आपको लिंक मिलेगा यूपीएससी प्रीलिम 2020 उसका कोर्स फेब्रुआरी से मई तक मैंने पढ़ाया था मतलब इस बैच के पुराने वाला बैच उसको भी आप बुकमार्क करिए और वहां जो लेक्चर है उसको रिवर्स ब्लॉक में देखना शुरू करिए रिकॉर्डिंग्स अब ये क्या मुद्दा है समझते हैं इकोनॉमी मैं जो पढ़ाता हूँ हम लोग उसे ऐसे पढ़ेंगे सीक्वेंस में पहले पढ़ेंगे मनी बैंकिंग फाइनेंस इंश्योरेंस उसके बाद बजट टैक्सेशन जी वो सब फिर तीसरा इंटरनेशनल ट्रेड करेंसी एक्सचेंज वो सब बातें फिर सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी जी वो सब फिर पांचवा पिलर इंफ्रास्ट्रक्चर छठा ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट उसके बाद माइक्रो इकोनॉमिक्स और उसके बाद लास्ट में जो एक दो लेक्चर होते हैं जैसे कि ये वाले सीरीज में सितंबर में मैं लास्ट वाले लेक्चर जो लूंगा तो जून से लेकर सितंबर में जो भी अपडेट आए होंगे उन सब का वापस कुछ नई नई चीज़ें हम लोग ऐड करते रहेंगे तो मतलब जो लोग जिन्होंने पहले कभी मेरा लेक्चर अटेंड नहीं किया और जो 2020 का प्रिलिम जो अक्टूबर में होने वाले उसे टारगेट करें तो आपने दो काम पेरेल अली करने हैं ये जो मेरी अभी लाइव बैच चल रही है उसके लेक्चर आप सीक्वेंस में अटेंड करेंगे जैसे जैसे हर हफ्ते होते हैं पेरेल जो मेरी पिछली वाली बैच थी उसमें भी मैंने ब्लॉक में पढ़ाया होगा वो आप रिवर्स ब्लॉक ऑर्डर में पढ़ना शुरू करेंगे मतलब उसके रिकॉर्डिंग वाले आप वीडियो देखे तो माइक्रो इकोनॉमिक्स देखा वो खत्म हुआ तो फिर सिक्स पिलर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट वो खत्म हुआ तो फिर आप जाओ इंफ्रास्ट्रक्चर और फिर आप स्टॉप कर दो उसके बाद पुरानी सीरीज देखने की जरूरत नहीं क्योंकि वो उतने तक देखोगे तब तक हम लोग भी यहाँ पर पहुंच गए होंगे तो यानी कि दो जगह से थोड़ा थोड़ा करके आप इसको टाइम लिमिट में कंप्लीट करो इफ यू आर टारगेटिंग प्रीलिम्स 2020 फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर अब यहां पर आक्रोश में आने की जरूरत नहीं है ऐसा क्यों हम ऐसा क्यों करेंगे हम क्यों रिकॉर्डिंग देखें हम तो अभी सीक्वेंस में चल रहा है वो ही नहीं देखे आपकी बात सही है लेकिन हम लोग यहाँ पर है जून में टारगेट है सेप्टेम्बर के अंदर सेप्टेम्बर एंड तक मुझे ये कोर्स सिलेबस कंप्लीट करना है और प्रिलिम अक्टूबर के फर्स्ट वीक में है अब भगवान नहीं करे टीचर को कोरोना हो जाए या भगवान नहीं करे आपको कोरोना हो जाए तो समझ के चलो पंद्रह बीस दिन तक हमारी पढ़ाई हो नहीं पाएगी और घर में एक आदमी को कोरोना हो दूसरे लोगों को भी होगा फिर आपने भी पेरेंट्स के यू हैव टू टेक केयर ऑफ देम तो मतलब एक आध महीना उसी में जा सकता है गॉड फॉरबिड तो अगर ऐसी परिस्थिति में सपोज डिले भी हो गया तो जो लोग 2021 हजार इक्कीस को टारगेट करें उनको तो, तो चिंता नहीं वो तो थोड़ा आगे भी हम लोग बैच को खींच के कंप्लीट कर सकते हैं राइट right? लेकिन आपका अगर टारगेट अक्टूबर वाली प्रीलिम है तो फिर आप ये सब रिस्क एकदम लास्ट तक की नहीं वो तो सितंबर में खत्म होगा तब तक मैं बैठे रहूंगा दैट यू शुड नॉट डू इसलिए हर एक सब्जेक्ट सिर्फ मेरा ही नहीं इकोनॉमी जोग्राफी पॉलिटी हिस्ट्री हर जगह ये मान के चलो कि पंद्रह बीस दिन एक तरफ रखो और उसको इमरजेंसी काउंट करते हुए बाकी सब जगह पर थोड़ा फॉरवर्ड में पड़ा थोड़ा रिवर्स ऑर्डर में पड़ा और चीजों को आप खत्म करिए सो दैट इज डन जो बच्चों ने मेरा पहले कोर्स अटेंड नहीं किया था 2021 वालों को चिंता नहीं ये ब्लू कलर वाला जो अभी बैच चल रहा है सीक्वेंस में करते रहो 2020 को टारगेट कर रहे हैं तो थोड़ा इधर से और थोड़ा पीछे वाले रिवर्स ब्लॉक में जम्प करके कंप्लीट करो सेट ऑफ स्टूडेंट्स जिन्होंने से मे वाला, या वाला तो क्या हैल प्रोग्रेशन well, like कैसे होता है वो पहले बालक होता है फिर फूलों और कांटे का अजय देवगन बनेगा फिर वो जाके सिंगम का अजय देवगन बनेगा सो इफ यू आर फ्रॉम माई प्रीवियस बैचेज और आपके वीकली

फॉर एग्जाम्पल अभी हम लोग पढ़ने वाले बीटकॉइन तक तो पुराने स्टूडेंट तो वो पढ़ ही चुके हैं उसमें नए अपडेट्स क्या है जब मे में बैच खत्म हुआ अभी हम लोग यहाँ पर आ रहे हैं नए अपडेट्स में फॉर एग्जाम्पल ईरान ने एक नया करेंसी लॉन्च किया है टोमन फिर चाइना के अंदर डिजिटल जो युआन है उसको डि इश्यू करेंगे ऐसी पूरी ट्रायल चल रही है और उस हिसाब से भारत में भी प्रयोग करने चाहिए कि नहीं मेंस का एक पूरा मुद्दा बनता है सो लाइक दैट सम न्यू टॉपिक्स आप हैंडउट देखेंगे आपको तुरंत पता चल जाएगा हाँ ये वाली चीज नहीं ये वाली चीज नहीं तो जो पुराने स्टूडेंट है आप सिर्फ हैंड आउट को पढ़िए तो भी आपको पता चल जाएगा क्योंकि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आप समझ सकते हैं ये ऐसा बोला ये ऐसा बोला और सर इधर ऐसा जोक मारने वाले थे वो भी आप स्पेकुलेट कर सकते हैं सो बेटर यू सिंपली डू लाइक दैट ढाई घंटे लेक्चर में बैठने की जरूरत नहीं और जितना आपका टाइम बचा वो जनरल स्टडी ऑप्शनल सब्जेक्ट के दूसरे पार्ट्स में आप स्पेंड करिए बट सपोज कुछ पुराने स्टूडेंट ऐसे भी होंगे कि वो फूल और कांटे के अजय देवगन से सीधा सिंगम बनने की जगह वो गुटखा वाला जो अजय देवगन डुप्लीकेट है उनकी सिचुएशन ऐसी होगी इट यूजली हैपन्स जब आपने पूरा कोर्स कंप्लीट नहीं किया हो या बराबर से रिवीजन नहीं किया हो और आपके वीकली जो टेस्ट होते थे उसमें मार्क बहुत कम आते थे या फिर आपको खुद से लगता है कि नहीं बहुत पहले पढ़ा था और मैं अब वीक महसूस कर रहा हूं मुझे वापस से देखना है देन यू आर वेलकम टू अटेंड और आप फुल लेंथ अटेंड करिए बट अदरवाइज जितने पुराने स्टूडेंट है मेरी इच्छा है भाई आप ऐसे तो बिल्कुल ही ना बने यू ट्राई टू बी लाइक दिस सिंगम सो बाई डिफॉल्ट जो पुराने स्टूडेंट है वापस बैठने की जरूरत नहीं कुछ नए नए अपडेट आते रहते हैं तो वो वीन ट्वेंटी सी एस पी सीरीज करके मैं फ्री पूरी सीरीज चला रहा हूँ उसको आप देखते रहिए तो प्रीलिम्स में जो जो नया आने वाला है वो वहां पर आपको मिलता रहेगा नए स्टूडेंट्स को भी मैं इसी एग्जाम्पल से बोलना चाहूंगा प्लीज रिमेन प्रेजेंट इन द लाइव क्लास एक डिसिप्लिन होना चाहिए थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे की रात को नौ बजे आके ये पढ़ना है आज मेरा मूड नहीं है कजिन की शादी है वैसे अब तो शादी में जा नहीं सकते बट वो जूम में मुझको लाइव देखना है या आर्ट एंड कल्चर का सिलेबस कंप्लीट करना है या मैं पूरे महीने का रिकॉर्डिंग एक साथ देख लूंगा वो सब बराबर नहीं है बीज वॉचिंग बिंज वॉचिंग मतलब जैसे नेटफ्लिक्स या एमेजॉन प्राइम में जो भी पंद्रह बीस एपिसोड है एक साथ ही दो दिन में मैं कंप्लीट कर दूं अगर आप ऐसा करेंगे देन यू विल स्टार्ट ये तो कब कंप्लीट होगा तो ऑटोमेटिकली फिर स्टूडेंट वन पॉइंट सेवेंटी फाइव टाइम स्पीड से वीडियो चलाना शुरू करते हैं अब ऐसा आप करेंगे तो बहुत सारे फाइनल डिटेल जो धीरे धीरे दिमाग में एब्सॉर्ब होते हैं वो हो नहीं पाएंगे और फिर वो ऐसी बात है कि आप समझिए दिन में एक बादाम खाया वन आलमंड डेली उससे फायदा होता है लेकिन फिर आप तीस बादाम एक ही दिन में खा लोगे पूरे महीने का कोटा आज ही खत्म करूंगा तो बॉडी वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी इसलिए धीरे धीरे जो ग्रेजुअली चार महीने में पढ़ना है वो चार महीने में पढ़ना है फिर दो दिन में वीडियो देख लिया काम नहीं होगा सो प्लीज रिमेन प्रेजेंट लास्टली कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनका प्लान होगा कि हम लोग 2022 में एग्जाम देना चाहते हैं अभी मेरी एज 21 नहीं हुई है तो क्या ये बैच यूजफुल है कि नहीं तो यहाँ पर इकोनॉमी की थियोरी करंट कंटेम्प्रेरी इशूज़ हम पढ़ रहे हैं तो ये अभी भी रेलेवेंट है दो में भी जो प्राइमरी चीज़ है वो तो रेलिवेंट रहने वाली है आप जितना जल्दी ज्वाइन कर ले वो बेटर है क्योंकि आप उसकी मदद मतलब से ज़्यादा ग्राउंड कवर कर पाएंगे आपकी प्रिपरेशन अच्छी होगी तो दिस फर्स्ट पार्ट टारगेट यूजर्स यहाँ पर कौन है वो सबको क्लियर है अब यूजर इंटरफेस की बात करते हैं जो पुराने स्टूडेंट हैं या आप ऑलरेडी यूज कर रहे हैं अन अकेडमी प्लस तो आपको जानते ही होंगे कि रेकमेंडेड ब्राउजर है गूगल क्रोम कोई भी एड ऑन वगैरह उसको डिसेबल करो ताकि वीडियो स्मूथ चले ऑडियो वीडियो में कभी भी प्रॉब्लम आ जाए तो आप कंट्रोल आर या कंट्रोल शिफ्ट आर प्रेस करिए तो ब्राउजर वापस रिफ्रेश हो जाएगा बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो वो गूगल क्रोम में इनकॉग्निटो मोड होता है उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं सपोज इलेक्ट्रिसिटी या इंटरनेट बंद हो गया आपका या टीचर का तो भी चिंता करने की जरूरत नहीं क्लास के रिकॉर्डिंग आपको बाद में मिल जाएंगे या वापस वीडियो शुरू होगा या अगले दिन क्लास रीशेड्यूल होगी वगैरह मेरे केस में मैं वीकली हैंड आउट डैशबोर्ड में पहले ही अपलोड कर देता हूँ अब उसकी प्रिंट आउट निकालने की ज़रूरत नहीं बट वो आप सेव करके रखिए टेक्निकल प्रॉब्लम्स जो भी है ऑडियो वीडियो नहीं चल रहा है वगैरह तो आप हेल्प एट को लिख सकते हैं एजुकेशनल डाउट जो भी है गूगल फॉर्म पर ऊपर दिया है उसमें आप मुझे पूछ सकते हैं सो दैट इज द इंटरफेस सेकंड ये प्लस मतलब एक ही सब्सक्रिप्शन आपने भरा और सारे कोर्स अनलॉक हो गए पॉलिटी के टू एटी एट कोर्स हिस्ट्री के दो सो अस्सी कोर्स करंट अफेयर्स के टू सिक्सटी कोर्स जोग्राफी के दो सौ तीस कोर्स वगैरह के तो आप ये वाले लिंक पे जाइए आपको जो जो काम के कोर्स लगते हैं आप उसको अटेंड व्हाट टू डू कुछ लोग शुरू शुरू में मैं सब कुछ देख लूंगा और वो फिर उनको फ्रस्ट्रेशन आ जाता है कि इतने तो सबसे पहला तो आप खुद पर एक अंकुश लगाइए कीप अ कंट्रोल ऑन योर वीक तीस से चालीस अवर से ज्यादा वीडियो नहीं देखूंगा तो आप अपना कोटा खुद फिक्स करो नॉट मोर देन फोर्टी आवर्स और उस हिसाब से एक वीकली बना दो ये ये वाले कोर्स मुझे अटेंड करने बाकी का जितना भी टाइम बचा वो आपने पढ़ाई में रीड द टैक्स रीड द पी फाइल रीड द न्यूज वो सब का तो आपके पास कोटा है ओके थर्टी टू फोर्टी आवर्स मुझे पढ़ने हैं वीडियो कुछ देखने हैं तो कौन से वीडियो मैं देखूँ कौन से कोर्स पसंद करूँ क्योंकि सारे कोर्स फ्री है सारे हम लोग लाइव में देख सकते हैं सबसे पहले आप पसंद करिए कोर सब्जेक्ट्स कोर सब्जेक्ट मतलब हिस्ट्री है इकोनॉमी है पॉलिटी ज्योग्राफी ये सब कोर सब्जेक्ट ऐसे ही आप अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट पसंद करो और एथिक्स इनके वीडियो आप पहले खत्म करो फिर आपके पास टाइम बचता है तो जितने वो कैप्सूल टाइप के कोर्स चलते हैं मतलब आर्ट एंड कल्चर ऑफ ऑल द टेम्पल्स ऑफ इंडिया तो मंदिरों का पूरा अलग से कोर्स करने की कोई जरूरत नहीं वैसे तो वो हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं वो सर अपने मेन सब्जेक्ट में वो करेंगे उसी प्रकार कोर्स ऑन बिल्स एंड एक्ट्स दैट नाइनटीन इन हजार उन्नीस में जितने विधेयक पास हुए उसका अलग से कोर्स वैसे वो देखने की जरूरत नहीं क्योंकि पॉलिटी जो पढ़ रहे हैं वो सब अपने मेन कोर्स में वो करेंगे राइट डेज वगैरह तो ये सब लो प्रायोरिटी चीज है जो बाद में टाइम बचता है इच्छा होती है तो देखनी चाहिए अदरवाइज पहले क्या है बीस से चालीस घंटे आपने शॉर्टलिस्ट किए और मेन 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 सब्जेक्ट कंप्लीट कर और वहां पर भी 2021 की हम एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं प्रिलिमिन मेंस हाउ टू चेरी पिक प्लस कोर्सिस एंड फिट देम इनटू योर वीकली स्टडी प्लान पहले तो फिक्स करो कि तीस से चालीस घंटे के मैंने आवर्स के वीडियो देखने एक हफ्ते में तो सबसे पहले आप शॉर्टलिस्ट कर दो कि आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या रखना है सपोज आपने रखा कॉमर्स लॉ पॉलिटिकल साइंस कुछ भी तो उसके वीडियो आप अपने फोर्टी आवर कोटा में सबसे पहले उसको बुक कर दो और उसको खत्म करो अभी के अभी वो इसलिए क्योंकि ऑप्शनल सब्जेक्ट के क्लास ऐसे होते हैं कि राउंड द ईयर उसकी फैकल्टी लाइव शायद नहीं होती कुछ बार जब सीजन के हिसाब से चलता है तो कुछ महीने ऐसे होंगे जब सपोज कॉमर्स की फैकल्टी के अभी ऑप्शनल चल रहे हैं देन यू गो एंड सिट अगर आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट क्योंकि फिर वो आप बाद में वो आपको शायद लाइव में नहीं मिले तो आप सिर्फ रिकॉर्डिंग देख पाएंगे बट वो टीचर को डाउट पूछ नहीं पाएंगे तो बेटर की वो ऑप्शनल वाली चीज को आप अपने कोटा में सबसे पहले उसको स्थान दो ये तीस से चालीस घंटे में सपोज आपने ट्वेल्व अवर्स डालने पड़ते हैं डाल दो बट उसको मैटर को खत्म कर सेकंड सेकंड प्रायोरिटी में जो पॉलिटी एंड इंटरनेशनल रिलेशन इकोनॉमी एन्वायरमेंट ये सब के जो अच्छे कोर्स आपको लगे उसको आप एनरोल कर दो ये इसलिए ताकि जितना जल्दी आपने पॉलिटी इंटरनेशनल रिलेशन इकोनॉमी एन्वायरमेंट समझ लिया तो उसके जितने करंट अफेयर्स और न्यूज़ आइटम चलती है पूरे साल आपको वो अच्छी तरह से समझ में आएगी सो दैट इज सेकंड थिंग तीसरा ऑर्डर में आप हिस्ट्री ज्योग्राफी एथिक्स और बाकी सब स्टैटिक सब्जेक्ट मतलब वो आज पढ़े या दो महीने बाद वो वैसा ही रहने वाला है तो अगर वो थोड़ा देरी से भी आप कंप्लीट करेंगे तो उसे आपकी करंट अफेयर्स या न्यूज़पेपर समझने की शक्ति में कोई बढ़ोतरी या कमी होने वाली नहीं सो यू कैन कीप देम एट अ स्लाइटली लोअर स्टेज ऐसा करते करते ये भी कंप्लीट हो गया फिर आप क्या करेंगे साइंस टेक्नोलॉजी सी सेट पेपर टू यानी एप्टीट्यूड ये कब देखना चाहिए प्रीलिम के दो तीन चार महीने पहले से धीरे धीरे आपने देखना चाहिए मित्रों साइंस टेक्नोलॉजी वैसे तो कोर सब्जेक्ट है लेकिन अगर आप प्रीलिम और मेंस के पेपर देखें तो पता चलेगा वो सिलेक्टेड एरिया से पब्लिक हेल्थ इसरो नासा ये सब पूछते हैं उसमें ऐसी चीजें शायद ही होती हैं कि जहां पर आपको बायोलॉजी और फिजिक्स बहुत डेप्थ में जानने की जरूरत हो या कि डेली न्यूज में इसरो ने ये सैटेलाइट छोड़ा तो हमको उतने में समझ आ जाता है उसका कोई बहुत पूरी थियोरी फिजिक्स की देखने की जरूरत होते नहीं सो देर यू कैन डू देम एट अ स्लाइटली लेटेस्ट स्टेज तो जब आपके बाद में 40 घंटे में आपका टाइप फिलअप हो गया और बाकी अब बचा तो उसको डाली एंड सिमिलरली जितने भी ये कैप्सूल कोर्स रिविजन कोर्स करंट अफेयर्स कोर्स वो सब धीरे धीरे आप ऐसे डाल सकते हैं सो लाइक दैट यू वर्कआउट योर थिंग्स कुछ लोग ऐसे होते हैं कि डेली मैं सब सब्जेक्ट पढ़ूंगा कुछ लोग ऐसे होते हैं कि मैं पहले एक सब्जेक्ट कंप्लीट करूंगा उसके बाद दूसरा सब्जेक्ट हर एक का तरीका अलग होता है आप अपने हिसाब से चलिए अनदर क्वेश्चन ईयर इज बाय वर्किंग प्रोफेशनल कि मैं नौकरी भी करता हूं और मुझे तैयारी भी करनी है तो मैं क्या करूं पहली बात तो ये है कि कोई सीक्रेट बुक या अलग से स्ट्रैटेजी या अलग से शॉर्टकट नहीं है क्योंकि यूपीएससी वर्किंग प्रोफेशनल का अलग से क्वेश्चन पेपर नहीं निकालती और वर्किंग प्रोफेशनल का कोई अलग से कोटा या अलग से कट ऑफ नहीं निकालती इसलिए फुल टाइम स्टूडेंट जो पढ़ रहे हैं वो आपने पढ़ना है सो प्रॉब्लम इज नॉट डेट वॉट यू हैव टू रीड वो तो सबको पता है क्या किधर से पढ़ना है आपने टाइम निकालना पड़ेगा क्योंकि आपके पास टाइम होगा नहीं टाइम कैसे निकाले वो अलग अलग जॉब के हिसाब से आपने अलग अलग स्ट्रैटेजी बनानी होगी कुछ वर्किंग प्रोफेशनल ऐसा करते हैं कि वो ऐसी स्ट्रैटेजी बनाते हैं कि मैं वीडियो कम देखूंगा और टेक्स्ट ज्यादा पढ़ूंगा ताकि जल्दी से मेरा पूरा काम होता रहे कुछ वर्किंग प्रोफेशनल ऐसी भी स्ट्रैटेजी बनाते हैं कि मैं जो भी कंप्यूटर में काम कर रहा हूं तो बाजू में मोबाइल या टैबलेट में वीडियो चालू कर दूंगा लेक्चर का और दो काम मेरे हो रहे हैं वैसे वो तरीका मुझे बहुत अच्छा नहीं लगता क्योंकि अगर आप नेटफ्लिक्स या कुछ यूट्यूब चला रहे हो तो जोक सुना और हंसी भी आ गई कंप्यूटर पे ऑफिस का काम भी होता रहा वो बराबर है लेकिन यहां पर आपने अनडिवाइडेड अटेंशन देना है अदरवाइज दो घंटे आपने ऑफिस का भी काम किया दो घंटे वीडियो भी देखा बट देन यू हैव नॉट एब्सॉर्ड द थिंग्स सो लाइक दैट यू आउट द थिंग्स एन सी आर टी एनसीआरटी है यस yes, लेकिन उसमें भी आपने टाइम बराबर से सेव करना चाहिए फॉर एग्जाम्पल कंसिडर द केस ऑफ ये थोड़े टाइम पहले दूसरे के एजुकेटर मुदित गुप्ता ने एक वीडियो बनाया था अर्थक्विक और वॉलैनो की अगर हम बात करें तो क्लास सेवन में भी आता है क्लास इलेवन में भी आता है जीसी लियो की बुक में भी आता है अर्थक्विक और वॉलैनो तो तीन बार तीन अलग अलग वीडियो बैठने गए आप तो आपके पास टाइम बचेगा नहीं पर्टिकुलरली वर्किंग प्रोफेशनल एंड इवन फुल टाइम स्टूडेंट्स तो एनसीआरटी में अप्रोच क्या होना चाहिए हिस्ट्री और ज्योग्राफी दो पकड़ो इलेवन ट्वेल्थ से शुरू करो और फिर डाउनवर्ड जाओ फिर क्लास टेन फिर क्लास नाइन तो पता चलेगा बहुत सारी चीजें पहले ही पढ़ लिये तो देखने की जरूरत फिर होगी नहीं सेकंड मैंने आपको आगे बताया ये स्लाइड में कि पहले फुल लेंथ वाले बड़े बड़े कोर्स आप एनरोल कर लो सपोज पॉलिटी हिस्ट्री ज्योग्राफी तो उसमें जो जो अच्छे टीचर होंगे वो क्या करेंगे सपोज ज्योग्राफी पढ़ाने वाला है तो वो अर्थक्वेक एज अ टॉपिक वो ऐसा पढ़ा देगा कि उसमें एनसीआर भी कवर हो गई जीसी लियोंग भी कवर हो गई माजिद हुसैन भी कवर हो गए लाइक दैट पॉलिटी वाला करेगा इकोनॉमी मैं पढ़ाता हूँ तो एनसीआरटी अपने आप सब वो कोर्स के अंदर हैंड में कवर ही है तो अलग से फिर सब कुछ वापस देखते रहे ऐसी बहुत ज्यादा डरपोक आश्रित और गुलाम मानसिकता मत रखिए कि मुझे हर चीज का वीडियो देखना पड़े और कोई मेरी उंगली पकड़ के ले जाए तभी मैं कर सकूं तो आपका काम खत्म नहीं हो सो बी स्ट्रांग एंड फिनिश द थिंग्स 2020 की प्रिलिम जो लोग टारगेट कर रहे हैं वैसे तो उन्होंने पहले कभी ना कभी कोई ना कोई, कोई वीडियो मेरा देखा होगा बाय लार्ज आपने टाइम को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है कि ज्यादा टाइम आप एनवायरमेंट जियोग्राफी पॉलिटी हिस्ट्री इन सब में डालिए और फिर इंटरनेशनल रिलेशन में इतना टाइम साइंस टेक्नोलॉजी में इतना ये आराम से ये वाला चार्ट देख लेना थोड़ा थोड़ा टाइम मेंस के लिए एथिक्स के लिए ऑप्शनल के लिए निकालते रहना प्रीलिम जितनी करीब आती है तो फिर वो मेंस वाला छोड़ के प्रीलिम पे फोकस किया लाइक दैट यू डू द थिंग्स बहुत सारी स्ट्रेटेजी वीडियो भी हैं आप समझदार है नाउ कमिंग टू द इंटरफेस अगेन तो ये मेरी प्रोफाइल है मोना और ये वाला जो अपना जून से शुरू हो रहा है ये अपना सपोज इसको हम ब्लू कलर देते हैं तो ये लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो आपको एक नया पेज मिलता है जिसको बोला जाता है कोर्स पेज सो यू बुक मार्क दैट थिंग वहां पर आप देखेंगे कि ये सब अलग अलग हमको शेड्यूल दिखते हैं सपोज कोई क्लास मिस हो गया तो उसको आप क्लिक करो तो आपको वो रिकॉर्डिंग वीडियो भी मिल सकता है वीकली क्विज होती है तो वो भी आप अटेंड कर सकते हैं यहाँ पर एक बटन होता है अपडेट बटन ये अपडेट बटन को आप क्लिक करो तो एक साइड बार खुलती है और जहां से आपको हैंड आउट मिलेगा सो फर्स्ट सपोज क्लास मिस हो गया तो ये रिकॉर्डेड वीडियो की आप देख सकते हैं वहां पर बटन सब आसान है ये स्पीड तो दो गुनी स्पीड पर वन पॉइंट फाइव टाइम स्पीड पर देख सकते हैं बाजू में ये वाला बटन मुझे बहुत अच्छा लगता है स्लाइड उसे आप क्लिक करिए तो जितने स्लाइड होंगे यहां पर दिखाएगा और फिर डायरेक्टली आपने जो वाला स्लाइड का वीडियो देखना है आप उसे देख सकते हैं सो दैट टू इज अ वे टू डू द थिंग्स ये वाला बटन करेंगे तो कॉमेंट बॉक्स बंद हो जाता है वगैरह और पेज के ऊपर ये अपडेट बटन और वहां पर आप क्लिक करेंगे तो एक साइड में से पेज खुलता है वहां पर आपको पीडीएफ फाइल डाउनलोड करने को मिलेगी जिसको बोलते हैं हैंडआउट आउट तो आप हैंड हर वीक की हैंडआउट आउट में क्लास के पहले अपलोड कर देता हूं वो आप डाउनलोड करके रखें अगर ऐसा डाउनलोड करने में प्रॉब्लम आ रही है तो क्रोम ब्राउजर यूज करो ऑन डिसेबल करो हेल्प टीम को ईमेल करो वगैरह कुछ लोगों को अपने ब्राउजर में थोड़ा अलग दिखेगा उनको वो साइड बार नहीं बट ऐसा दिखता है शेड्यूल तो यहाँ क्लिक करोगे तो वीडियो मिलेंगे या अपडेट बटन क्लिक करोगे तो हैंड आउट मिलेगा सो दिज आर यू आर ऑल टेक्स सेविंग पीपल बहुत ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं नेक्स्ट इज द फॉर्मेट ऑफ माई क्लास फॉर्मेट ऑफ द क्लास इज वेरी सिंपल गुरुवार शुक्रवार शनिवार रविवार रात को नौ बजे से लेके ग्यारह या साढ़े ग्यारह बजे तक अपनी क्लास होती है। उसके बाद रविवार को काम खत्म कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका रविवार का क्लास शायद मिस हो गया या इंटरनेट खराब था या कुछ तो रिकॉर्डेड वीडियो बाद में भी देख के अप टू मंडे सिक्स पी सोमवार को शाम को छह बजे तक मुझको गूगल फॉर्म में जितनी क्वेरी मिलती है पिछले वीक की वो सारी का मैं जवाब बनाकर ट्यूसडे को एक पीडीएफ फाइल के रूप में में डाल देता हूँ जस्ट लाइक हैंड आउट मिलते हैं जो हमने प्रीवियस वीक में जितना पढ़ा था उसमें और ये सीक्वेंस चलते रहती जहां तक कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम हो ऑडियो वीडियो का प्रॉब्लम है कोई फाइल डाउनलोड नहीं हो रही है कॉलेज वाईफाई से प्रॉक्सी सर्वर में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है बॉक्स में आपको कुछ परेशान कर रहा है

बुकमार्क करके रखो और फिर जब भी आपको कुछ प्रश्न है वहां पर आप डालते जाइए ये नया गूगल फॉर्म कुछ ऐसे दिखता है क्रीम कलर का यूजल सिक्वेंसिज जो भी प्रश्न मुझे मंडे 6 पीएम तक मिलते हैं उसका फिर मंगलवार को मैं पीडीएफ फाइल बनाकर जवाब डाल देता और अब तक जितने भी बैच हुए मेरे ख्याल से छह बैच हुए अन एकेडमी में जितने लोगों ने प्रश्न पूछा एज लॉन्ग एज इट वॉज इन द रीजनेबल लिमिट मैंने सबको जवाब दिया है ये सब पुराने लास्ट बैच के सब आंसर हैं अंत में बैच खत्म हुआ तो मैंने गूगल फॉर्म में चेक किया कि कितने प्रश्न मैंने जवाब दिए हैं तो जवाब था ट्वेल्व हंड्रेड थर्टी सिर्फ एक बैच में ही बारह सौ तीस बार प्रश्न पूछे गए बारह सौ तीस के मैंने जवाब दे दिए थे सो डोंट वरी आपको कोई भी प्रश्न यूपीएससी एजुकेशन रिलेटेड यू कैन आस्क मी ऐसा भी नहीं कि मेरा कोई स्टाफ मैंने रखा है जो मेरी जगह पर आपको जवाब दे रहा है नहीं मैं खुद पढ़ के खुद जवाब देता हूँ सो यू आर गेटिंग माई पर्सनल अटेंशन मित्रों वैसे तो इधर चैट बॉक्स में भी प्रश्न लोग डालते हैं लेकिन वो किसके लिए उपयोगी है सपोज क्लास में ट्वेंटी थर्टी स्टूडेंट ही हो तो आराम से वो पढ़ के और जवाब दे सकते हैं लेकिन यहाँ पर क्योंकि ज्यादा लोग एक साथ अटेंड कर रहे हैं और बहुत सारे लोग एक साथ प्रश्न पूछ रहे हैं तो सबको जवाब देना मुश्किल हो जाए आई गूगल फॉर्म सिस्टम साथ ही साथ मेरी ये भी रिक्वेस्ट है कि टॉपिक खत्म होने के बाद आप मुझे प्रश्न पूछिए सपोज आप ही आज मुझे पूछे कि ये एंजल टैक्स क्या है या रेपो रेट क्या होता है भाई वो हम लोग पढ़ने वाले जब खत्म हो जाए फिर आपको फिर भी डाउट है आप मुझे पूछिए सेकंड रिक्वेस्ट इज आप पिछले पांच साल के टॉपिक वाइज इकोनॉमिक क्वेश्चन प्रीम के मीन्स के वो आपको मेरी साइट पर मिल जाएंगे उसको आप जरा ऊपर ऊपर से देख के रखिए तो पता चल जाएगा कि कैसे प्रश्न आते हैं ताकि बी कॉम चार्टर्ड अकाउंटेंट टाइप चीजें लोग देखते हैं और उसको के स्टेज में आ जाते हैं कि ऐसा पूछते होंगे भाई ऐसा पूछते नहीं पुराने पेपर आप देखो थर्ड दूसरे टीचर्स के सब्जेक्ट के प्रश्न आप मुझे ना पूछे कि ये पॉलिटी में ऐसा क्यों है ये ये वाले बिल में क्या मैटर है वो दूसरे टीचर्स उनके चैट बॉक्स गूगल फॉर्म ईमेल एड्रेस टेलीग्राम ग्रुप जो भी मेथड है उनसे आप उनको कांटेक्ट करें क्योंकि बाकी सब सब्जेक्ट पे मेरा इतना डेली फोकस होता ना कि मैं आपको उनके जितना अच्छा जवाब दे सकूं एंड लास्टली डॉक्टर को ये मत पूछो कि आपने ये वाली दवाई क्यों दी डो नॉट आज द डॉक्टर टू जस्टिफाई हिज प्रिस्क्रिप्शन कुछ लोग ऐसे भी आ जाते हैं मुझे पूछने के लिए कि सर आप तो बोल रहे हैं तीस से चालीस घंटे ये वीडियो देखना चाहिए लेकिन दूसरे सर बोल रहे थे सिक्सटी आवर्स देखना चाहिए तो आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं तो वो फलाना डॉक्टर क्या दवाई दे रहा है वो ये वाले डॉक्टर से आप कैसे जस्टिफिकेशन मांगे उसका ईगो हट हो जाता है और ईगो से भी ज्यादा वो तो अपनी बात को ही मनवाने की कोशिश करेगा सो माई पॉइंट इज दवा ले रहे हो तो डॉक्टर पे थोड़ा विश्वास होना चाहिए एंड मोर इम्पॉर्टेंटली आप खुद का भी थोड़ा कॉमन सेंस गड फीलिंग आपके स्ट्रेंथ लिमिटेशन क्या है उसको यूज करके आप अपनी चीज बनाइए ये जरूरी है कि मैं हर एक चीज बोलूँ तो हर एक को वो माननी चाहिए इधर चैट बॉक्स के अंदर बहुत सारे मैसेज अभी भी चल रहे हैं जब मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो ये जो अपना ब्लैक कलर का पावर पॉइंट है क्रॉस टॉक साइड टॉक उसकी कोई जरूरत नहीं है कोई दूसरा कर रहा है आप उसको इग्नोर करें और आप यहाँ पर लेक्चर पे फोकस करें लेक्चर के अंदर थोड़ा हम लोग पढ़ेंगे उसके बाद एमसीक्यू ट्रायल के लिए डालते हैं तो एमसीक्यू के ऑप्शन होते हैं एबीसीडी वो आपको ऑप्शन मिल जाएंगे तो आपने जो ठीक लगे उसको क्लिक करना है विद इन द टाइम लिमिट उसमें कुछ लोग चैट बॉक्स में कुछ जवाब लिखे और फिर आप कुछ लोग ऐसे होते हैं फिर सपोज किसी का जवाब गलत हो गया उसको वो रिडिक्यूल करना शुरू करते हैं तेरा यूपीएससी क्लियर नहीं होगा तू इतने आसान जवाब में क्यों गलत दे रहा है वगैरह प्लीज डू नॉट डीमोटिवेट अदर पीपल डू नॉट डेनिग्रेट अदर पीपल हर आदमी कभी जूनियर होता है फिर सीनियर बनता है वैसे तो आई एम हैप्पी कि मेरी बैच में ज्यादातर लोग डिसिप्लिन में ही रहते हैं 2019 में सेकंड बैच जब मैंने करी थी अनकेडमी में देर वॉज अ स्टूडेंट की वो लड़कियों की जितने भी कॉमेंट्स आए तो तुरंत नीचे ट्रोलिंग में कॉमेंट डालते रहता था देन अल्टीमेटली फिर कंप्लेट मुझे करनी पड़ी और उसका अकाउंट बैन कर दिया था अन अकेडमी में आप समझिए ये YouTube नहीं है कि कुछ भी आपने गलत कमेंट डाल दी और बैन हो गए तो क्या उखा लेंगे भाई आपका अकाउंट बैन हुआ तो आपकी फीस चली जाएगी

तो so सपोज मुझे मैं कोटा लेके चलूँ कि मुझे वन ट्वेंटी फाइव आवर्स में सिलेबस कंप्लीट करना है तो मैं फिर दूसरी चीज़ों में ऐसे ही टाइम पास करता रहा तो टाइम पे सिलेबस खबर नहीं इसलिए हर एक का प्रिपरेशन और डाउट लेवल अलग होता है तो गूगल फॉर्म से आप मुझे पूछिए कुछ लोग ऐसा भी सजेस्ट करते हैं हर लेक्चर की लास्ट में पाँच क्वेश्चन ले लो और उसके डाउट सॉल्व करो फिर ऐसा करने के तो भी पच्चीस लोग सवाल पूछेंगे और फिर रैंडम चेरी पिकिंग से पाँच उस पर भी बेटर की गूगल फॉर्म में सबको डिटेल में जवाब मिलते रहे सो दिस इज़ वन पार्ट दैट इज डन बाकी और भी चीज़ें करनी है लेकिन यहाँ पर लेटेस्ट टेक अ ब्रेक फॉर फाइव मिनट्स उसके बाद वापस हम लोग शुरू करते हैं और बाकी की चर्चा आगे बढ़ाते हैं ठीक है ब्रेक खत्म आगे बढ़ते हैं टाइमिंग ऑफ द क्लास यूजुअली अपनी दो से ढाई घंटे की क्लास होती है हर तीस पैंतीस मिनट पर एक पाँच पाँच मिनट का ब्रेक लेते हैं सो वाई सच लॉन्ग क्लास आधे घंटे घंटे के पीरियड नहीं रख सकते स्कूल जैसे ये टू एंड हाफ आवर का जो लेक्चर फॉर्मेट है ये दिल्ली के बड़े बड़े क्लासेस लाइक वाजीराम और सब लोग यही अपनाते ऐसा क्यों करते होंगे क्योंकि वन आवर की हाफ आवर की सेशन लेने गए तो टॉपिक कंप्लीट हो नहीं पाता और फिर नेक्स्ट लेक्चर में वापस से आपने सात दस पंद्रह मिनट वही चीज को रिपीट करना पड़ता है कि लास्ट लेक्चर में पॉलिटी में हमने ये देखा था अब कंटिन्यूएशन में ये बात है तो वो प्रीएम्बलिंग और रिकेपिंग करने में ही बहुत सारा टाइम जलते रहता है एज की टू एंड हाफ आवर्स का काम पकड़ा तो एक साथ बहुत सारी चीजें कंप्लीट हो जाती सो देर इट इज एन एडवांटेज सेकंड टू एंड हाफ आवर्स की क्लास और हफ्ते में सपोज तीन या चार दिन ऐसी क्लास हो तो आपके पास कंटिन्यूस ब्लॉक हो गया जब लेक्चर है और कंटिन्यूस ब्लॉक हो गए जब आपके पास लेक्चर नहीं है सपोज सो मंगल बुधवार सो यू हैव लॉट ऑफ फ्री टाइम तो वो रिविजन में आप यूज कर सकते हैं सो बाय यूजिंग दिस टाइप ऑफ फॉर्मेट फॉर द लास्ट टेन ईयर्स मेरा यही सिस्टम बन गया है वरना तो ये होगा कि जो चार महीने का कोर्स है वो फिर छह महीने तक ड्रैग होते रहेगा तो वो आपके लिए अच्छा नहीं बेफिजुल में और ज्यादा फी भरनी पड़े और कंपनी के लिए भी अच्छा नहीं कि ऑपरेशनल कॉस्ट के हिसाब से लंबा लंबा सब चलता रहे सो इकोनॉमी इज अ फैक्टर इन बोथ द साइड स्टूडेंट की भी और टीचर की भी तो टू से टू एंड हाफ आवर की अपनी क्लास होती है हर आधे घंटे पर पाँच मिनट का ब्रेक होता है लेकिन मैं ये भी बात मानता हूं कि अगर ऑफलाइन में हम लोग पढ़ रहे होते तो टू एंड हाफ आवर बैठना आसान है बट ऑनलाइन स्क्रीन पे आग खींचना शुरू हो जाता है आई फोर्टिक इज़ अ प्रॉब्लम तो अब क्या कर सकते हैं सपोज वन आवर आप लाइव क्लास देखो ला और फिर बाकी का सुबह आप रिकॉर्डेड सेशन देख लो सपोज आई पर आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस आ रहा है सेकंड थिंग ये विंडोज टेन के अंदर एक नाइट लाइट नाम का फीचर होता है उसको आप क्लिक करिए तो वो ऑरेंज टिंट को ज्यादा बढ़ा देता है तो ये स्क्रीन आपको उतना आंख में चुभेगा नहीं मैंने अपनी तरफ से कोशिश ये करी है कि ये पावर पॉइंट हमेशा बैकग्राउंड ब्लैक ही रहता है ताकि आंखों में ज्यादा लगे नहीं सो दैट इज यू हैव टू मैनेज दैट कुछ लोग ऐसा करते हैं चैटबॉक्स में कि एक घंटा पढ़ के उनको थकान आ जाती है सर प्लीज स्टॉप द क्लास इट इज इनफ फॉर टू नाइट भाई ऐसा नहीं कर सकते अननेसेसरीली लॉन्ग ड्यूरेशन हमको नहीं करना है अगर आपको नहीं पढ़ना है तो आप जाकर सो जाइए बाकी लोगों को डिस्टर्ब मत करो अपनी नेगेटिविटी और आलस से कि मुझे नींदा आ रही है तो सो जाओ दूसरों को मत बोलो सेकंड रिक्वायरमेंट ऑफ ईच क्लास हर क्लास में आपने क्या लेकर आना है एक तो एंटी मॉस्किटो कॉइल या फिर ऑडोमस क्रीम ये लेकर आनी है तो क्योंकि धीरे धीरे बारिश होगी फिर वापस मच्छर कोरोना भी नहीं होना चाहिए हमको डेंगू भी नहीं होना चाहिए बिकॉज फिफ्टीन ट्वेंटी डेज वी कैनॉट अफोर्ड दूसरा आपने पानी की बोतल लेकर आनी एक या दो बोतल जितनी चाहिए हैंड आउट में वीक में आगे ही अपलोड कर देता हूँ हैंड आउट की कोई प्रिंट आउट नहीं निकालनी है वो जब कोरोना का आतंक कम हो जाए उसके बाद आराम से आप करना तो अभी के लिए हैंड आउट को बस आप पीडीएफ कहीं पर मोबाइल लैपटॉप पीसी में सेव करके रखिए दूसरा आपने लेकर आना है अनरूल्ड ये फोर साइज के पेजेस मतलब ऐसे वाइट यहां पर लाइन नहीं होनी चाहिए क्योंकि यूपीएससी के रियल मेन्स एग्जाम में जो पेपर होते हैं वहां पर ऐसी लाइन नहीं होती और वो भी अभी है तो बराबर नहीं है तो ऐसा नहीं कि कहीं बार दुकान से खरीद के लाओ नहीं है तो फिर नोटबुक में अभी लिख देना फिर कोरोना प्रकोप थोड़ा शांत हो फिर घर से बाहर निकल क्या ये पेपर का यूज यहां पर क्या है क्लास में कोई नोट लिखने की आपने जरूरत नहीं हैंड आउट खुद से ही एक नोट ही है रिविजन नोट लेकिन पढ़ते पढ़ते आपको जो भी कुछ विचार आ गया कुछ अचानक से जैसे न्यूटन को ख्याल आ गया था गुरुत्वाकर्षण आपको कोई एपिफेनी हो जाए तो वो कर दीजिए कुछ आपको डाउट हो जाए तो आप उसे लिख दीजिए और फिर गूगल फॉर्म में टाइप करके पूछ लेना और उसका मेन यूज तो ये है कि बिकॉज दिस इज अ प्रीलिम प्लस मेन्स कोर्स तो जहां पर हमारे सिलेबस के थोड़े ब्लॉक्स कंप्लीट हो गए तो आपने यहाँ पर कुछ मौका आंसर राइटिंग करनी होगी सो फॉर यू रिक्वायर द पेजेस ये काम हो गया तीसरा आपने चाहिए दो अलग अलग कलर की पेन रखनी चाहिए एक ब्लू पेन रखिए एक रेड पेन रखिए तो खुद से ही अपने ही पेपर का आप सेल्फ इवेलुएशन कर सको या फिर कुछ लिखा फिर बाद में कुछ और ख्याल आ गया आपने बाद में कुछ लिखा यू यूज आपका इमेजिनेशन है दो कलर की पेन रखना नहीं है तो ऐसा भी नहीं दुकान में जाके खरीदो कोरोना खत्म हो बाद में खरीदो इसी प्रकार से इसको बोलते हैं रिपोर्ट फाइल ये ऐसी पंच के लगाने वाली कम से कम ऐसी दो फाइल आप जब कोरोना खत्म हो जाए खरीद लेना वो इसलिए क्योंकि ये आप पेजेस अपने जो हाथ से लिखे होंगे ये हैंड आउट की कभी प्रिंट निकालोगे तो वो सबको पंच मार के रखने की जरूरत होगी स्टेपल मत करो क्योंकि स्टेपल किया तो फिर उसमें बाद में कुछ नया ऐड करना मुश्किल हो जाता है पंच किया तो वो फिर नए नए पेजेस आप ऐड कर सकते हैं तो हैंड आउट क्या है ये व्हाइट बैकग्राउंड में जो ब्लैक फॉन्ट में लिखा और पीडीएफ फाइल में आपको दिया है उसको बोलते हैं हैंड आउट एग्जाम के लिए आपने सिर्फ इसको पढ़ना है जो अभी मैं आपको दिखा रहा हूं ये ब्लैक कलर की चीज है ये है पावर पॉइंट स्लाइड जहां पर बैकग्राउंड ब्लैक कलर में पावर पॉइंट इसलिए है ताकि आपको आसानी से चीज को समझ में आ जाए लेकिन उसकी प्रिंट आउट निकालने की जरूरत नहीं ढाई घंटे की क्लास होती है अराउंड 120 स्लाइड होती है तो जितने लेक्चर हैं उन सब के आप स्लाइड को स्वाइप भी करते जाओ तो भी उंगली दुख जाएगी सो इट इज नॉट फॉर रेगुलर ऑब्जर्वेशन रेगुलरली आपने रीडिंग रिविजन किसका करना है ये हैंड का एक बार पेज डाउन दबाए तो पूरा पेज डाउन हो गया प्रिंट इसकी निकालने की जरूरत नहीं स्लाइड की इसकी प्रिंट अगर आपको इच्छा हो तो निकाल सकते हो बट कोरोना खत्म हो जाए उसके बाद हाँ ये जो पीडीएफ है उसको यूज करने के लिए आई वुड रेकमेंड फॉक्सिट पीडीएफ रीडर वो फ्री सॉफ्टवेयर है उसमें खास बात यह है कि आप उसमें इंसर्ट उसमेंट कर सकते हो इधर टेक्स बॉक्स बना के खुद से कुछ लिख सकते हो अलग अलग कलर के हाईलाइटर यूज कर सकते हो सो यूज यूजीएफ रीडर प्रश्न होता है सर ये जो ब्लैक कलर का पावर पॉइंट है ये भी हमको चाहिए बाद में रिवीजन करने के लिए काम में आएगा कैन वी डाउनलोड दैट यस उसके लिए आप जाइए कोर्स पेज पर और जो वीडियो लेक्चर खत्म हो जाएगा फिर प्ले बटन दबाओगे तो वीडियो देख सकते हो और बाजू में इधर तीन डॉट होते हैं वन टू थ्री डॉट्स उसको क्लिक करो तो ऐसा सब मेनू खुलता है वहां पर दो टाइप के पावर पॉइंट आप डाउनलोड कर सकते हैं एक होते हैं विथ एनोटेशन एनोटेशन मतलब ये जो इधर अष्टम अष्टम कुछ भी लिखा सब तेमोर इज अट बेबी ऐसा मैं लिखू ये हो गया एनोटेशन इसके साथ आपने डाउनलोड करना है तो विथ एनोटेशन बट मेरे केस में डू नॉट यूज एनोटेशन क्योंकि जो भी पढ़ना है वो लिख के दिया ये उसमें टाइप करके सो so, विदाउट एनोटेशन वाला आप पावर पॉइंट डाउनलोड करेंगे दिस इज वन थिंग सेकंड जब एक कोई बड़ा ब्लॉक कंप्लीट हो जाता है सपोज ये पूरा बार्टर सिस्टम बिटकॉइन सब कंप्लीट हो गया तो मैं उसकी कंबाइंड पावर पॉइंट बनाकर खुद से भी अपलोड कर ही देता हूं तो आप क्या करेंगे थोड़े दिन बाद ये अपडेट बटन क्लिक करोगे तो उधर आपको पावर पॉइंट की भी कंबाइंड पीडीएफ फाइल अलग से मिल जाएगी तो उसके डाउनलोड करके रखो रेफरेंस के लिए उसकी प्रिंट आउट निकालने की कोई जरूरत नहीं मित्रों ये जो हैंडआउट है व्हाइट कलर वाला वो खुद से ही एक रिवीजन नोट है कुछ लोग ये पूछते हैं व्हाट इज द सोर्स ऑफ दिस हैंडउट हाउ कैन आई बिलीव दैट इट इज अ ट्रू एंड वैलिड थिंग ये हैंड जो मैंने बनाया है उसका सोर्स क्या है असल में ये एक प्रकार का रिविजन नोट है एनसीआर टी टैक्स बुक्स तमिलनाडु स्टेट बोर्ड के टेक्स्ट बुक्स वो भी बहुत अच्छे होते हैं प्रीवियस बजट प्रीवियस इकोनॉमिक सर्वे गवर्नमेंट रिपोर्ट योजना कुरुक्षेत्र इंडिया बुक फिर ये अलग अलग इकोनॉमी की जो ट्रेडिशनल रेफरेंस बुक्स होती हैं जैसे भारती पाठक दत्त सुन्दरम मिश्रापुरी रमेश सिंह फिर न्यूज़पेपर इंटरनेट सबको मिलाकर एग्जाम ओरिएंटेड रिवीजन नोट बनाया है। हर एक चैप्टर के एंड में मैंने कोई रेफरेंस इसका लिस्ट नहीं दिया जैसे Wikipedia में होता है क्योंकि ऐसा करने बैठे तो बेफिजुल आपसे खुद डू no. है कुछ भी नहीं हाँ सिलेक्टिवली एनसीआर पढ़ने है। सिर्फ एक इकोनॉमिकली एक इकोनॉमिक सर्वे कुछ देखने और योजना कुरुक्षेत्र वो भी क्या और कितना बहुत सिलेक्टिवली जब मैं आपको बोलू सो डोंट वरी जहां तक हैंड आउट है उसमें भी आप विश्वास रख सकते हैं वैसे सब कुछ सही है पहले भी पांच छह बैच हो चुकी है कुछ गलतियां थी लोगों ने बताई करेक्ट हो गए आपको भी कुछ अगर सपोज दिस इज एन एरर तो गूगल फॉर्म से भेज देना उसको हम लोग करेक्ट करते रहेंगे सो so डोंट ये फिशरमैन को देखो ये क्या कर रहा है ही थ्रोइंग फिशिंग नेट मछली को पकड़ने के लिए जाली फेंक रहा है सपोज वो सिक्सटी स्क्वायर मीटर की मुझे लगती है और तालाब में सपोज ये पांच है हो सकती है तीन मछलियां वो पकड़ लेगा लेकिन अगर वो ऐसा करे कि 1500 स्क्वायर मीटर का बड़ा सा, इतना बड़ा फिशिंग नेट बना दे और वो डाले तो क्या होगा तो फिर तीन नहीं है सभी पांच या सौ मछली भी पकड़ सकता है बट दैट इज नॉट प्रैक्टिकेबल वो इम्प्रैक्टिकेबल हो गया इतनी पंद्रह सौ स्क्वायर मीटर की कैसे बनाएंगे और कैसे थ्रो करेंगे नेट राइट तो ये हो नहीं सकता सेकंडली सपोज ये फिशिंग नेट सिक्सटी स्क्वायर मीटर की नहीं इतना एक छोटा सा हैंकर जीप हाथ का रूमाल वो बना दे पॉइंट जीरो टू स्क्ट मीटर और वो डाले तो क्या है तो तो कोई एक भी मछली आएगी नहीं सिमिलर इज द प्रॉब्लम विद क्रिएटिंग स्टडी मटेरियल ये कुल मिलाकर आपको जो हैंड मिलेगा इट विल बी अराउंड सिक्स पेजेस अगर मैं चाहूं तो 1500 पेज का भी हैंड आउट बना सकता हूं कि उसमें एक एक करेंसी नोट का क्या विथ और लेंथ होता है उसका भी साइज मैं आपको दे दूं और कुछ पूछे यूपीएससी और देखो मेरे हैंड आउट से आए लेकिन वो इम्प्रैक्टिकेबल है आपको जितना पढ़ना पड़ेगा जितना प्रिंट निकालना पड़ेगा तो मैंने इतनी बड़ी फिशिंग नेट बनाई नहीं सामने कुछ लोग ऐसे भी चलते हैं पच्चीस दिन में पैसा डबल कि पच्चीस पेजिस की पूरा एंटायर क्रैश कोर्स ऑन इकोनॉमी का पूरा समरी या पच्चीस दिन में पूरी इकोनॉमी कंप्लीट तो भाई वो हैंकर चिप जितनी आपकी फिशिंग नेट है उसमें एक मछली भी आएगी नहीं तो ये बीच का रास्ता है राइट और अगर मछली नहीं ये नीचे हंड्रेड एमसी है तो अपना टारगेट क्या है हंड्रेड एमसी नहीं करने हमने वी हैव टू गेट सम की कट ऑफ अपना क्लियर हो जाए फिफ्टी परसेंट के ऊपर ये मैं आपको अभी इसलिए बता रहा हूँ कि कुछ लोग फिर गूगल डाउट फॉर्म में ऐसा पूछते हैं कि अलग से हमको हैंड आउट दो जिसमें एकदम इंपॉर्टेंट चीजें अलग से लिखी गई हूँ भाई वो ऐसे छोटे छोटे पच्चीस दिन में पैसा डबल की गेम मैं नहीं खेलता हूं तो मतलब आपके हैंडआउट में कौन सा टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है कौन सी स्कीम ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो अलग से बताओ भाई यूपीएससी बोर्ड एग्जाम नहीं कि की मैथ की दो इक्वेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट बाकी कम इंपॉर्टेंट या फिर कि कुछ अलग से हैंडआउट हमको दे दो जिसमें सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हो ताकि हमारा फास्टर रिविजन हो जाए आर नॉट वो मतलब ठीक बात नहीं है दिल्ली के अंदर कुछ ऑफलाइन फैकल्टी ऐसे होते हैं जो एम टी वी रोडीज बहुत देखते हैं और खुद भी उनका काम ऐसा ही हो जाता है तो उनको अगर कोई ऐसी फरमाइश करे तो वो सीधा बोलना शुरू कर देंगे बेटा तेरा एग्जाम ही तू मत दे तू आई एस नहीं बन सकता तू क्लर्क की एग्जाम दे वगैरह मैं एम टी वी रोडीज नहीं देखता मैं तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखता हूं तो मतलब मैं स्टूडेंट कोई प्रश्न पूछे तो ऐसे उसको दुधकारता है रेडिक्यूल में करता नहीं लेकिन और साथ ही साथ मैं ऐसा कोई एडवांस सर्टिफिकेट भी नहीं देता कि तुमने ये प्रश्न पूछा इसलिए तुम बेवकूफ और तुम्हारा आई सिलेक्शन नहीं हो सकता नो इज एट सम पॉइंट तो पूछने में कोई हरकत नहीं बट माई आंसर इज दिस फिशरमैन की नेट जैसी बात है तो बोर्ड एग्जाम नहीं है प्लीज डोंट आस्क फॉर सर शॉर्टकट जहां पर आपकी बुद्धि का अपमान हो और आपके टीचर की भी मीडियम रिलेटेड क्वेश्चन सर वी आर फ्रॉम साउथ इंडिया Uh, you are teaching in Hindi, we are unable to understand. Please uh, use the English words and so forth. Format hai friends, the PowerPoint and handout is given in English. Verbal communication is to be done mostly Hindi and uh, some English. To so, South India के friends से उनके साथ मैं sympathize करता हूँ. लेकिन ये course का जो मेरा job contract है, it works in this format. तो so, फिर अगर मैं बहुत ज़्यादा if I am using too much English, तो so, फिर सामने दूसरे set of students वो कहेंगे, नहीं हमको नहीं समझ में आता. And then they will मेक्सम कंप्लेट सो आई एम कॉन्टेक्ट बाउंडोर आई कैन हेल्प यू मच इन दैट रिक उसका कम्पलीट ऑपोजिट कुछ लोग बोलते हैं पूरा हैंड आउट हिंदी में दे दो दैट इज ऑल्सो नॉट फिजिबल देखिये हैंड आउट के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट टर्म्स है जिसका आपको मीन्स में हिंदी में लिखना है तो मैंने उसके हिंदी ब्रैकेट में दिए हैं प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट प्रीपेड भुगतान साधन केवाईसी अपने ग्राहक को जानो वाली मार्गदर्शिकाएं सो इफ इंपॉर्टेंट तो दिया है फिर क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड का हिंदी नहीं दिया क्यों वो तो हिंदी में ही वही लिखना है और दूसरा कि या तो फिर टॉपिक ऐसा है जिसका मीन्स में कोई उपयोग नहीं तो इसका हिंदी जानने का मतलब है इकोनॉमी ऐसा सब्जेक्ट है कि इंग्लिश में बुलेट बना दिए तो कंपेरिजन में फट 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 काम खत्म हो जाता है हिंदी में वो सब लिखने गए तो इतना कलिष्ट हो जाता है कि समझने में हैंड आउट का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है रिवीजन फास्ट हो जाए वो हो नहीं पाता प्रिलीम एग्जाम जब आप देते हैं तो एक तरफ हिंदी में क्वेश्चन होते हैं और दूसरी तरफ उसी का इंग्लिश में ट्रांसलेशन होता है जहां तक इकोनॉमी के क्वेश्चन है मैं आप सबको रेकमेंड करता हूं कि रियल एग्जाम में इंग्लिश वाला वर्जन पढ़ के ही इकोनॉमी के आंसर टिक करो उसका फायदा यह है कि तुरंत वो स्टेटमेंट समझ में आ जाता है कि ये ऐसा पूछ रहा है दैट रेपो रेट विल इंक्रीज द लोन रेट तो हाँ ये बराबर है ऐसे सह, ये सही है कि गलत है यू कैन इजिली एलिमिनेट द थिंग हिंदी में अगर आप वही चीज पढ़ने गए तो so यूपीएससी में हिंदी इतना कलिष्ट करके वो विधान बनाते हैं कि वो आपकी स्पीड को बहुत धीमा कर देता है आप जल्दी से एलिमिनेट नहीं कर पाएंगे रॉन्ग क्या है सो फॉर इकोनॉमी प्रिलीम इंग्लिश के अंदर ही फोकस करना एंड सेम एडवाइस आएगी फॉर साइंस टेक्नोलॉजी ऑल्सो साइंस टेक्नोलॉजी की एनसीआरटी हिंदी में नहीं इंग्लिश में ही पढ़ो जल्दी काम खत्म हो जाएगा तो so मेन्स के अंदर इकोनॉमी के प्रश्न उसमें आपने क्या करना है जो भी आपका मीडियम है हिंदी गुजराती मराठी पंजाबी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी हमको पता होनी चाहिए कि इंग्लिश से उसका हिंदी क्या होता है और वो हैंड आउट में दी है पूरे का पूरा वाक्य आपको हिंदी में चाहिए ऐसी आश्रित पराधीन मानसिकता में मत रहिए कि अगर मुझे पूरा वाक्य हिंदी में नोट में नहीं दिया होगा तो मैं नहीं लिख पाऊंगा भाई अपने दम पर आपने बहुत कुछ लिखना पड़ेगा सपोज निबंध में कुछ भी पूछ लिया तो बहुत सारे मुद्दे ऑन द स्पॉट सोच के लिखने हैं राइट तो टर्मिनोलॉजी और फिर आप अपने शब्दों में चाहे वो पॉलिटी है ज्योग्राफी कुछ भी लिखे ऐसी आप आदत बनाइए हिंदी मराठी तमिल कोई भी वर्नाक्युलर मीडियम में परीक्षा देना है दे सकते हैं यस नो प्रॉब्लम इंटरव्यू कॉल्स आते हैं यस इंटरव्यू कॉल भी आते हैं तो लेकिन मेंस में हाँ आपने वॉकेबुलरी थोड़ी अच्छी यूज़ करनी पड़ेगी उसके लिए क्या कर सकते हैं योजना मैगजीन उसके सब इंग्लिश हिंदी गुजराती मराठी मिलते हैं डाउनलोड करके कम से कम प्रीफेस पढ़िए तो आपको थोड़े नए वर्ड्स जानने को मिलेंगे आप अपने स्टेट एजुकेशन बोर्ड की क्लास इलेवन ट्वेल्व की इकोनॉमी हिस्ट्री ज्योग्रफी सोशियोलॉजी पोलिटिकल साइंस की बुक्स देखो तो अपने आप आपको टर्मिनोलॉजी गुजराती हिंदी मराठी क्या है, मिल जाएगी कुछ वर्णागुलर न्यूज पेपर टीवी चैनल वो सब देख के भी थोड़ा थोड़ा करके आपको काम हो जाएगा सो दिस पार्ट इज ओवर की अबाउट द कोर्स नाउ सेकंड पार्ट इज अबाउट यूपीएससी प्रिपरेशन इन जनरल जनरल स्टडीज न्यूज पेपर करंट अफेयर नोट मेकिंग एंड टाइम वेस्ट जल्दी से देखते हैं यूपीएससी प्रिलिम पेपर वन जनरल स्टडीज सौ सवाल होते हैं दो मार्क दो मार्क का

वो टारगेट क्या कर रहा है इकोनॉमी यस इकोनॉमी की थियरी यस इकोनॉमी के करंट अफेयर्स यस प्रीलिम के लिए यस yes. मेंस के लिए यस सो दैट इज आवर ऑब्जेक्टिव बट एट द सेम टाइम जब आप करंट अफेयर्स को देख रहे हैं चाहे इकोनॉमी का है या बाकी सब विषय का फोकस ये होना चाहिए बी फिजुल में फिक्सेटेड मत हो जाओ जैसे अभी आप पाएंगे लॉकडाउन और उसके बाद लंबे टाइम तक हर एक न्यूज मतलब कोरोना पॉइंट ऑफ व्यू से ही चलते हैं कि एटीएम में ये हुआ फिर आरबीआई ने इमरजेंसी ये काम कर दिया गवर्नमेंट ने ईपीएफओ में ये कर दिया टोक्यो ओलंपिक को कैंसिल हो गया पूरा दिन बस कोरोना 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 लेके चलते रहते हैं भाई इतना सब करंट अफेयर्स एक टॉपिक में से नहीं आता है अगर आप प्रीवियस ईयर्स का आराम से एनालिसिस करें तो पाएंगे कि कोई एक चैप्टर है या कोई एक टॉपिक है सपोज हम बात करें ब्लड एंड ब्लड डिसऑर्डर जो कि हम बोल सकते हैं साइंस या बायोलॉजी का एक चैप्टर या टॉपिक है रक्त के सारे रोग तो डेंगू देखो बॉम्बे ब्लड ग्रुप तो सवाल एक करें करंट अफेयर्स होते हैं जैसे कि मार्च महीने में करंट अफेयर्स हुए थे कोरोना वायरस का लॉकडाउन बहुत बढ़ गया यस बैंक में कुछ स्कैम हुआ सुप्रीम कोर्ट ने बिटकॉइन का जजमेंट दे दिया ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस छोड़ के बीजेपी ज्वाइन कर दिया दिल्ली के अंदर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के कुछ राइट्स हो रहे थे और दूसरे पच्चीस टॉपिक और भी चलते थे तो कितने सवाल आएंगे एक महीने से कोई एक महीने के करंट अफेयर्स में से आउट ऑफ द हंड्रेड क्वेश्चन नॉट मोर देन टू क्वेश्चन आर राष्ट्र ऐसा यूपीएससी मतलब हर जगह से थोड़ा थोड़ा पूछे ऐसी उनकी स्ट्रैटेजी में कोई एक जगह से पूरी चीज वो नहीं पूछते इसलिए अब फिक्सड हो गए कि नहीं ये चल रहा है जैसे सिटीजनशिप अमेंडमेंट तो उसमें भारत और चीन और यूरोप में क्या है पच्चीस देशों की मैं पीएचडी करूं नॉट रिक्वाइ सो लाइक दैट यू कट डाउन योर टाइम इन प्रिपरेशन ऑफ करंट अफेयर्स जहां तक प्रिलिम पेपर वन की बात है हंड्रेड क्वेश्चन होते हैं हर एक क्वेश्चन के दो मार्क्स तो मतलब हुए टू मार्क्स टू मार्क्स में से प्रिलिम क्लियर करने के लिए स्कोर कितना होना चाहिए 2019 का तो काम खत्म होना बाकी है लेकिन 15, 16, 17, 18 आप पाएंगे कि अराउंड 100 मार्क के आसपास कट ऑफ रहता है अलग अलग कैटेगरी में थोड़ा कम ज्यादा हो सकता है यानी अराउंड हाफ द 50 परसेंट के आसपास ज्ञान आपका चेक कर है अबकोर्स कुछ लोग थोड़ा ज्यादा टिक करेंगे और फिर नेगेटिव में कम आएंगे और इधर बैठ जाएंगे बट पॉइंट है कि आइंस्टाइन या एडम स्मिथ हमको बनना नहीं है कोई भी सब्जेक्ट इसी को जरा अलग ग्राफ में हम लोग समझे Suppose 2016, वहां पर 100 क्वेश्चन होंगे एक दो तीन चार करके इजी क्वेश्चन में सबसे पहले मार्क कर दो तो 49 इजी क्वेश्चन फिर थोड़े मीडियम डिफिकल्टी के थोड़ा करंट अफेयर इंडियन एक्सप्रेस कुछ इधर उधर से पूछा एटीन क्वेश्चन और फिर थर्टी थ्री क्वेश्चन ऐसे थे जिसको मैं कहता हूँ टफ क्वेश्चन मतलब कभी पांच जन्म में हमने सुनाई नहीं हुआ ऐसा टॉपिक कोई पूछ लिया

my इकोनॉमी course is फोकसिंग अप to दिस पार्ट ओनली इसके ऊपर भी अतरंगी प्रश्न दो तीन आएंगे ऑब्वियसली इट विल कम लेकिन उसको हम लोग पढ़ने गए इट डजेंट मैटर क्योंकि प्रीलिम क्लियर करने के बाद उसका स्कोर फाइनल सिलेक्शन में काउंट होता नहीं है इधर आप 200 में से 200 भी लेके आओ तो कोई मेडल मिलने वाला नहीं अगर आपने टफेस्ट सपोज एकदम कठिन से कठिन ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर दिया और बाकी के नहीं कर पाए तो कट ऑफ क्लियर नहीं होगा सो डोन्ट वेस्ट टाइम इन रिगार्डिंग द स्पानंट अफेयर्स पेज वन पर मैंने एक ग्राफ दिया है उसका जिक्र करना जरूरी है आउट ऑफ द हंड्रेड क्वेश्चन थियरी के कितने क्वेश्चन थे 2017 में 60 क्वेश्चन थे 2019 तक पहुंचे तो कम होते होते 43 हो गए उसी प्रकार लास्ट वन ईयर का करंट अफेयर्स मतलब 2019 में 2018 का भी पूछा होगा उन्होंने राइट तो ऐसा करके कितना हार्डली नाइन क्वेश्चन और फिर कंटेम्पररी अफेयर्स मतलब दो साल या उससे पुरानी वाली चीज ऐसे 48 एट क्वेश्चन थे यानी हमको देखने को मिलता है कि धीरे धीरे ये थियरी और करंट अफेयर्स थोड़े कम हो गए और कंटेम्पररी इश्यूज दो साल पुराने वाली चीजें वो ज्यादा पूछी जाती सो द पॉइंट इज डेली करंट अफेयर्स मंथली करंट अफेयर्स वो सब बैठ के आप पकड़ के रखेंगे तो बहुत सारी दूसरी भी चीजें हैं जो कंटेम्पररी आपने पढ़नी है पेरिस समिट में क्या हुआ तो वो कोई करंट अफेयर वो दो तीन साल पुरानी जो बात है सो लाइक दैट यू हैव टू प्रिपेयर फ्रॉम बुक्सो इंडिया यर बुक एनवायरमेंट शंकर साइंस टेक्नोलॉजी रवि अग्रहारी तो वो सब भी देखने पूरा दिन वीडियो लेके बैठते रहूं डोंट बी लाइक दैट तो प्रश्न ये होता है यू आर टारगेटिंग 2021 की प्रीलिम, तो कितना पुराना और कितना लेटेस्ट पढ़ना है Assuming कि वो एग्जाम जुलाई में हो पी एस सी ने कुछ क्लैरिफिकेशन नहीं दिया बट so मान के चलते हैं जुलाई में हो तो कितना पुराना आपने तैयार करना चाहिए कम से कम डी माइनस टू यानी फर्स्ट जनवरी 2019, आपका एग्जाम 2021 में है तो उससे पहले दो साल तक का आपको मालूम होना चाहिए क्या चल रहा था तो so 2019 जनवरी से लेके पता होना चाहिए सेकंड लेटेस्ट कितना पता होना चाहिए जुलाई में एग्जाम है तो लेटेस्ट डी माइनस वन मंथ मतलब उसका एक मंथ जंप करके जो बचता है मतलब थर्टी फर्स्ट मे वहां तक का आपने पढ़ा हुआ होना चाहिए ऐसा नहीं कि जून में फिर न्यूज नहीं देखना जुलाई में न्यूज नहीं देखना ना न्यूज तो रोज देखना चाहिए एग्जाम की सुबह भी देख सको तो देखना चाहिए सपोज ऐसा होगा कि कोई सैटेलाइट लॉन्च हुआ आपने तब पढ़ा असल में उसका प्लान दो साल पहले बना था और तब का प्रश्न अभी आपको पूछ रहे हैं सो यू आर अवेयर So keep habit of reading news daily. And आपको आगे भी बताया कोई एक मंथ के अंदर से यूजली फेब्रुआरी दो हजार इक्कीस में बजट आएगा तो ऐसा नहीं कि वहां से बीस क्वेश्चन आ जाएंगे मे बी वन ऑर टू क्वेश्चन फ्रॉम देट पर्टिकुलर मंथ तो उस हिसाब से टाइम को यहां एडमिट करी ये जो अपना साल है ट्वेंटी ट्वेंटी एग्जाम ऑल्सो बट यूज पाया जाता है कि प्रीवियस वन ईयर में से बीस से ज्यादा सवाल बनते नहीं बाकी का सब थियरी कंटेम्पररी यहाँ वहां से चलता है तो यहाँ पर भी बहुत एक्सेसिव टाइम स्पेंड ना करें तो प्रश्न ये होता है सर हमने तो अभी इधर हैं हम लोग जून में आप बोल रहे हैं कि लास्ट ईयर फर्स्ट जनवरी 2019 से सब पता होना चाहिए व्हाट टू तो डू फॉर डेट हमने कभी पढ़ा नहीं था जहाँ तक इकोनॉमी की बात है नो नीड टू वरी अपने हैंड आउट में वो भी और उससे पुराने वाली भी जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो कवर हो ही रही है और साथ ही साथ ये इकोनॉमिक कोर्स आप देखेंगे तो आपको ये भी पता चल जाएगा इस टाइप के फैक्ट्स इंपॉर्टेंट होते हैं इस टाइप के फैक्ट्स इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं तो आगे भी आप सेल्फ मैनेज कर पाएंगे बाकी सब जितने सब्जेक्ट है और उसके करंट अफेयर पॉलिटी में ये हुआ था एनवायरमेंट में ये हुआ था उसका क्या करें अन एकेडमी में अलग अलग कोर्स चलते हैं वो देखो फिर ये विजन आई एस वाजीराम दृष्टि इनसाइट आई एस पार्लियामेंट वो बहुत सारे लोग फ्री में मंथली करंट अफेयर्स डालते रहते हैं तो आपको जो ठीक लगे वो फर्स्ट जनवरी 2019 से मंथली डाउनलोड कर लो आराम से उसको देखते जाओ वैसे चाहो तो 2016 से भी डाउनलोड कर सकते हो लेकिन फिर उसका जो कॉस्ट बेनिफिट है वो बहुत उपयोगी नहीं दिखेगा मित्रों तो ये बात भी सही है कि आजकल ये पीडीएफ या मैगजीन में से बहुत ज्यादा एमसीक्यू सॉल्व हो नहीं पाते लेकिन उसका विकल्प क्या है उसका विकल्प कुछ नहीं है क्योंकि अभी आप इधर हैं और आप सोचे कि मैं तो फर्स्ट जनवरी से सारे न्यूज़पेपर डाउनलोड करता हूं और डेली न्यूज़पेपर पुराने पढ़ूंगा 365 डेज के और उसमें से खुद की नोट बनाऊंगा और पांच अलग जगह से रिसर्च करूंगा भाई वो कब आप कंप्लीट कर पाओगे सो ऑपोजिट ऑफ दैट इज कि आप पूरा नोट खुद से बनाए वो प्रैक्टिकेबल नहीं है और कट ऑफ कभी भी टू आउट ऑफ टू होता नहीं सो वट फ्यू थिंग्स यू कैन मैनेज उसको मैनेज करना है हैल आइडियालिज्म अव्यवहारिक आदर्शवाद का, आदर्श का बहिष्कार करो भारत में कोरोना लॉकडाउन हुआ तो वैसे तो ये करना चाहिए कि कीप कंप्लीट लॉकडाउन जब तक कोरोना की कोई वैक्सीन ना मिल जाए तब तक हमने लॉकडाउन खोलना नहीं चाहिए लेकिन अगर ऐसा करेंगे तो आप समझ सकते हैं पॉवर्टी माइग्रेंट अनएम्प्लॉयमेंट वो प्रॉब्लम्स बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे इसलिए सरकार ने क्या करना पड़ा ऑन लॉकडाउन विथ सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स तो ये ऐसी बात है कि ये आदर्शवाद तो है लेकिन वो व्यावहारिक नहीं है सिविलरली आदर्शवाद ये है कि न्यूज पढ़ो और खुद के नोट बनाओ लेकिन जब से यूपीएससी ने मेंस के चार पेपर कर दिए और ऑप्शनल का भी एक पेपर एक सब्जेक्ट और दो पेपर तो खुद से ये, ये न्यूज़पेपर के नोट बनाने गए वो इम्प्रैक्टिकेबल हो जाता है तो न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए आंसर इज यस yes. न्यूज़पेपर के नोट्स बनाने चाहिए द आंसर इज ओनली फॉर सिलेक्टेड पार्ट्स सिलेक्टेड पार्ट्स कौन कौन से सपोज न्यूज़पेपर पढ़ते हैं आपको कोई लगा कोटेशन गांधी जी ने ये बोला था और आपको लगता है हाँ ये तो ऐसे में लिखने लायक है तो कहीं पर नोट करो कुछ आप पढ़ते हैं और आपको लगे एथिक्स की स्टडी में उपयोगी है तो हाँ वो कहीं पर लिख दो कि ये मैं कोट करूंगा स्टेट सर्विस रिलेटेड आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिले गुजरात में सपोज कि ये गिर लाइन्स का मैटर वो कुछ चल रहा है देन यू हैव टू नोट इट डाउन कि हाँ ये कुछ आ सकता है इंटरव्यू में आपकी जो हॉबी है उसके बारे में कुछ है सपोज आपकी चेस आपने हॉबी लिखा है तो चेस में कोई टूर्नामेंट वगैरह हुआ तो आपने नोट डाउन करना है ग्रेजुएशन रिलेटेड डेवलपमेंट सपोज आप एम किया है इंजीनियरिंग या एम और ऐसा कुछ वहां पर डेवलपमेंट आपको जानने को मिला न्यूज से तो इंटरव्यू में पूछ सकते हैं यू हैव टू नोट इट डाउन सपोज आप ओ में काम कर रहे हैं या कोई सॉफ्टवेयर कंपनी में और आप वर्क एक्सपीरियंस के नाम पर इंटरव्यू में कोई यूपीएससी पूछ सकते हैं सो यू हैव टू राइट सम नोट्स फ्रॉम दैट तो ऐसी कोई चीज मिले तो हाँ उसके नोट्स बनाने चाहिए क्योंकि ये विजन या इनसाइड या अन एकेडमी के अंदर करंट अफेयर्स वो लोग इसको टारगेट नहीं करेंगे बिकॉज ये अलग चीज है जहां तक जनरल स्टडीज की बात है न्यूज देखना चाहिए सैटेलाइट लॉन्च हुआ आत्मनिर्भर भारत हुआ नेपाल ने अपना पार्लियामेंट में नक्शा पास किया और भारत की जमीन अपने कब्जे में है हमारे नेपाल में ऐसा सब लिख दिया क्या न्यूज़पेपर में पढ़ना चाहिए पढ़ना चाहिए यस लेकिन उसके नोट्स नहीं बनाने चाहिए इसलिए नहीं बनाने चाहिए क्योंकि जो लेक्चर होंगे में वो लोग कवर करेंगे करंट अफेयर पीडीएफ के नाम पर जितनी चीज़ आती है वो मटेरियल so यूज करते हैं वापस से आविष्कार करू यू शुड नॉट री इनवेंट दिल दूसरे ने पहिया आविष्कार किया उसको यूज करो और आगे बढ़ो से इनमें कोई टॉपिक की क्या यूटिलिटी है 150 से 250 फिफ्टी वर्ड्स में पूछ सकते हैं और वो प्रश्न भी ऐसे ओवरव्यू टाइप के पूछते हैं सपोज ये नेपाल का प्रॉब्लम जो है कि उसने नक्शे में भारत का सब चीज़ दिखा दी तो इंडिया नेपाल इंट्रोडक्शन में कुछ लिया कंक्लूजन में वो तो सेम टू सेम ही रहेगा और बीच में जो मुद्दे लिखने हैं दो से पांच मुद्दे आपके पास होने चाहिए उतना तो पी वगैरह से लेक्चर वगैरह से मिल जाए काम खत्म तो नोट्स बनाओ नोट्स बनाओ वो इंपॉर्टेंट चीज के बनाओ हर चीज के नोट्स मत बनाओ न्यूज़पेपर कौन सा पढ़ना चाहिए द हिंदू पढ़ो या इंडियन एक्सप्रेस पढ़ो दोनों पढ़ने की जरूरत नहीं है पढ़ने इसलिए चाहिए था कि वॉकेबुलरी एक्सप्रेशन स्किल ग्रामर अपना ठीक हो जाए क्योंकि आप रोज पढ़ेंगे तो आपको हाँ ही के साथ ईजी आता है ही के साथ हार नहीं आता है ये आपको अपने आप आ जाएगा अगर आप हिंदी मीडियम में देना चाहते हैं जनसत्ता पढ़ो दूसरा गुजराती मराठी है तो उसके न्यूज़पेपर पढ़ो लेकिन फिर भी द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस तो देखना देखना और देखना ही है क्योंकि जो प्रीलिम और मेंस के सवाल बनाते हैं वो प्रोफेसर वहां से सवाल बनाते हैं ऐसा नहीं जनसत्ता से पढ़ के आया और उसने सेट किया अगर आप मुझसे पूछे कि इंडियन एक्सप्रेस पढ़ो कि द हिंदू वेल द आंसर इज इंडियन एक्सप्रेस पढ़ो क्योंकि ज्यादा एग्जाम ओरिएंटेड है आसानी से मिलता है द हिंदू के तो मित्रों समरी भी वैसे वो विजन इन और पार्लियामेंट और ये सब लोग और अन के लेक्चर्स और डेली न्यूज एनालिसिस करके सब लोग पढ़ाई रहे हैं तो जो नहीं पढ़ा रहे हैं वो सारी चीज देखो तो आपको नया कुछ जानने को मिलेगा अब एक टॉपिक जरा जल्दी से मैं कंप्लीट करता हूँ फिर हम लोग ब्रेक लेते हैं टॉपिक बहुत आसान है कि न्यूज़ पेपर पढ़ते हैं लोग तो इसमें भी दो घंटे घुस जाते हैं मेरे हिसाब से सम फिफ्टी मिनट्स वन आवर या फोर्टी मिनट्स में काम खत्म हो जाना चाहिए सो हाउ टू फिनिश द न्यूज़ फास्ट उसकी टेक्निक ये है मोबाइल तो सबके पास है रेडी रखना चाहिए न्यूज़पेपर सपोज इंडियन एक्सप्रेस पढ़ना शुरू किया पहले पेज पर क्या होगा सब अलग अलग स्केम का लिखेगा जजमेंट सुप्रीम कोर्ट के कुछ पॉलिटिक्स का मैटर कि वो उद्धव ठाकरे ने ऐसा किया ज्योतिदरादित्य सिंधिया ने निकाल दिया कांग्रेस से वगैरह तो एक हद से ज्यादा वो सब ऐसी चीजें हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत उपयोगी नहीं उपयोगी चीज़ होती है क्या सुप्रीम कोर्ट का कोई जजमेंट आ गया बहुत सारा इंटरनेशनल रिलेशन या कोई स्कीम आ गया पेज वन के नीचे की साइड पर बहुत सारी सैड स्टोरी होती है आदमी बहुत बीमार था और उसके घर वाले उसको ले गए और ऐसे प्रॉब्लम आए दे, दो स दोड थिंग्स बट वो सब पढ़ने से हमको एक हद से ज्यादा कोई एग्जाम में उपयोगी नहीं एथिक्स में कहीं केस स्टडी लिख सकते हो बट बियॉन्ड अ पॉइंट नॉट सो यूज तो जल्दी से इसको कंप्लीट किया सेकंड पेज तो पेज वन का कैरी ओवर न्यूज चलता है अपने हिसाब से थोड़ा देख सकते हो पेज थ्री फोर में क्या होता है स्टेट न्यूज होता है गुजरात में ये हुआ महाराष्ट्र में ये हुआ इंटरव्यू स्टेट सर्विस के लिए काम का कुछ लगे कैमरा से फोटो खींच लो पेज फाइव टू सेवन क्या होता है ज्यादातर टेंडर वेकेंसी पॉलिटी पॉलिटिक्स वहां पर भी सारे बिल्स एक्स काम के नहीं होते हैं जो इंपॉर्टेंट वाले होते हैं वो पढ़ने चाहिए, चाहिए। खालिद अहमद लिखता है तो वो हमेशा पाकिस्तान के डोमेस्टिक अफेयर्स में लिखता है योगेंद्र अलग है वो हमारे जमाने में तो ऐसा होता है सिक्सटीज की बात करता है, में ही ऐसा है। इंडिया चाइना एक बार पकड़ लिया तो बस पूरा दिन वही चलाते रहते हैं लेकिन व्हाट यूटिलिटी 250 वर्ड्स बात आगे so, like that, तुरंत नहीं बनाने फोटो और उसके बाद वीक के एंड में आपको लगे, हां, मैं स्वाइप करता हूँ और जो एक दो लाइन में आप अपने शब्दों में अलग अलग पेपर में लिख दो कि ये वाला स्टेट सर्विस के लिए काम का ये वाला हुआ के लिए काम का और बात खत्म क्योंकि ऐसे एथिक्स स्टेट सर्विस हॉबी वर्क एक्सपीरियंस इतनी थोड़ी थोड़ी नोट बना ली है बहुत सारे न्यूज़पेपर कॉलम ऐसे होते हैं कि बहुत टेक्निकल डिटेल में जाते हैं कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन उसका एसपीएस पी अग्रीमेंट उसका सेक्शन 2.6 में ये प्रॉब्लम है वो सब अपने लिए काम करने टू फिफ्टी वर्ड्स का, का माला गया बात करता तो पेज एट नाइन हो गए टेन में होता है नेशनल इंटरनेशनल अफेयर्स एक्सप्लेन सीरीज वो देखनी चाहिए इलेवन ट्वेल्व में इकोनॉमी लेकिन ये इकोनॉमी में मैं कहूंगा कि न्यूज़पेपर में जो आता है वो बेली फाइव ऑफ दैट इज इवन नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर एग्जाम यूपीएससी पूछता है वो चीज़ अलग होती है तो ऊपर ऊपर से देख लिया बात खत्म बिजनेस जी के हमने नहीं करना पेज थर्टीन पर क्रॉस वर्ड एस्ट्रोलॉजी कॉमिक वो सब कुछ खास काम का नहीं इंटरनेशनल रिलेशन डायट टिप्स सिक्सटीन पर स्पोर्ट्स वो वाला नहीं भी देखा तो लूट नहीं जाता सिवाय कि स्पोर्ट्स आपकी हॉबी हो या फिर कि वो बहुत चीज ओलंपिक जैसा कुछ पूछा जाए सो लाइक दैट क्विकली इट इज ओवर इकोनॉमी का क्या इकोनॉमी में भी द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस जो आप देख रहे हैं वो एक ही पकड़ के रखो ऐसा भी नहीं की इकोनॉमी की नोट्स बनानी वो आपको हैंड आउट मिल रहा है ऐसा नहीं कि अलग से इकोनॉमी मतलब उसमें और अंडरस्टैंडिंग के लिए द हिंदू का बिजलाइन पढ़ू नहीं इंडियन एक्सप्रेस का फाइनेंशियल एक्सप्रेस पढ़ू नहीं टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ू नहीं टाइम्स ऑफ इंडिया का अलग इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ू नहीं लाइव मिंट अलग से सब्सक्राइब करू नहीं कोई जरूरत नहीं जो काम की चीजें हम लोग पढ़ रहे हैं और ये सिर्फ अभी के लिए नहीं कोर्स सितंबर में खत्म हुआ अगले साल आपकी एग्जाम है तो भी बीच में जितने अपडेट्स आएंगे वो विन ट्वेंटी वन सीरीज करके फ्री में मिलते रहेंगे तो इकोनॉमी करंट अफेयर्स की हाई हाई और लेफ्ट राइट करने की जरूरत नहीं है बाकी सब के जो हैं चीज़ें उसमें क्या करना है करंट अफेयर्स इसकी भी चर्चा करते हैं बट लेट एस टेक अ ब्रेक फॉर फाइव मिनट्स और उसके बाद आगे इसको आगे बढ़ाते हैं वॉट टू डू फॉर करंट अफेयर्स All right, so क्वेश्चन वॉज करंट अफेयर्स एंड पीडीएफ फाइल्स आपको ये भी प्रश्न होगा कि सर इकोनॉमी पढ़ाने तो इकोनॉमी पढ़ाओ ये क्या लेके बैठ गया वो इसलिए कि गूगल फॉर्म के नाम पर बहुत सारे लोग फिर यही प्रश्न पूछते हैं करंट अफेयर्स में ये क्या करूं वो क्या करूं तो एक बार में पहले मैं ये काम खत्म कर लेता हाँ तो वॉट अबाउट द करंट अफेयर्स मैंने आपको बताया न्यूज पेपर पढ़ो लेकिन उसमें सब चीज के नोट नहीं बनाने सिलेक्टेड पार्क के नोट बनाने बाकी सब में करंट अफेयर्स पी

25 या 30 पेज में भी वो काम खत्म कर सकते सो अननेसेसरी लोट ऑफ डेटा एंड इंटरनेशनल रिपोर्ट्स आर कोटेड जिसकी बहुत उपयोगिता नहीं सो दिस इज वन प्रॉब्लम सामने पॉजिटिव बात क्या है पॉजिटिव बात यह है कि आपका टाइम बचाते हैं आपने खुद से वो टॉपिक पांच अलग अलग वेबसाइट या न्यूज साइट या विकीपीडिया में देखना नहीं पड़ता उसके कंटेंट राइटर को उन्होंने सैलरी दे होते बना के आपको सर्व कर रहा है तो खुद से आपने व्हील को री करने की जरूरत नहीं तो मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं न्यूज मत पढ़ो नहीं न्यूज डेली पढ़ो बट साथ ही साथ ये सब पीडीएफ फाइल भी नजर रखनी चाहिए क्या चल रहा है सो फ्रीक्वेंटली आज क्वेश्चन रिगार्डिंग करंट अफेयर पीडीएफ फाइल क्योंकि कुछ स्टूडेंट वो बाद में भी गूगल फॉर्म में यही पूछते हैं तो पहले से जवाब दे देना बेहतर वट आर द नोटेबल प्लेयर्स हेयर नोटेबल प्लेयर्स में विजन आई एस और उसकी फ्री करंट अफेयर पीडीएफ फाइल वो हर महीने की पीडीएफ फाइल करंट अफेयर्स की बनाते हैं क्या डाउनलोड करके देखनी चाहिए जवाब है हाँ क्योंकि बहुत सारे दूसरे लोग भी देख रहे हैं तो अपना ध्यान होना चाहिए कि हमारा कोई टॉपिक मिस तो नहीं हो गया दैट इज द प्राइमरी थिंग सपोज आप इंडियन एक्सप्रेस पढ़ रहे हैं लेकिन द हिंदू में कोई फ्रॉग की नई स्पीसीज आई जो हमने पढ़ी नहीं है या हम नहीं जानते इसका पी देख लिया हो कि ध्यान में आ गया हाँ ऐसा अभी कुछ चल रहा है सो दिस इज वन थिंग हाँ नजर रखनी चाहिए उसके नोट्स बनाने चाहिए या बहुत वर्ड बाय वर्ड पढ़ना है ऐसा नहीं विजन आई एस वाले एक और काम करते हैं मंथली पीडीएफ बारह महीने का बनाए फिर प्रिलीम एग्जाम नए करीब आता है तो वो करते हैं पीटी थ्री मतलब पिछले एक साल का पूरा कंबाइन हम आपको दे रहे हैं लेकिन वहां पर भी वो क्या करेंगे बहुत सारे जो पुराने मंथली पीडीएफ फाइल में नोट्स होंगे उसको वो ऑमिट कर देंगे स्किप करके क्योंकि वो इतने थोड़े पेजेस में कि मैं ही तो ही लोग पढ़ेंगे ऐसा सोच के वो कंप्रेस करता है तो डेंजर ये रहता है कि कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उसमें ऑमिट हो जाए अभी आपके पास टाइम है सो बेटर यू गो थ्रू द मंथली फाइल्स ये 365 और मेन 365 वो सब ऐसी चीजें हैं बहुत ज्यादा उपयोगी नहीं पैरेलली शंकर आई उनकी अलग से वेबसाइट है आई एस पार्लियामेंट असल में वो शंकर आई का ही है उसके भी डाउनलोड सेक्शन में आपको मिल जाएगा उसकी करंट अफेयर्स कंपेयर टू विजन आई थोड़ी कम ब्लोटेड रहती है बहुत ज्यादा मारपीट की इंटरनेशनल रिपोर्ट की वो समरी नहीं बनाता है

कॉमनवेल्थ मतलब एक ही कुएं से पानी खींच रहे हैं वो कुआ है द हिंदू इंडियन एक्सप्रेस प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो वगैरह तो ये आप पाएंगे कि बहुत सारा टॉपिक जो इधर दिखा वो वापस इधर भी दिखेगा जैसे आत्मनिर्भर भारत सब लोग कवर कर ही रहे हैं तो ऊपर ऊपर से आप देखिए और तीन से पांच जो बड़े की सेलियंट फीचर है उसको आप प्रिपेयर करें दैट इज सफिशियंट उसमें से वन फिफ्टी टू फिफ्टी वर्ड्स का काम हो जाए और हमेशा याद रखिए दीज आर सप्लीमेंट्स एंड नॉट सब्सटीट्यूट्स फॉर योर न्यूज पेपर रीडिंग न्यूज़पेपर तो पढ़ना ही है ये उसके ऊपर आप थोड़ा देखना है ये विकल्प नहीं है कि न्यूज़पेपर के विकल्प में इसको देखना है योजना कुरुक्षेत्र मैगजीन ये सरकारी मैगजीन है जिसमें स्कीम और अलग अलग डेवलपमेंट आते हैं इसमें क्या करना है फर्स्ट जनवरी टू से लेके सब पी फाइल डाउनलोड कर लो हिंदी में देने तो हिंदी में गुजराती गुजराती मराठी हर भाषा में मिलती है योजना कुरुक्षेत्र शायद इंग्लिश और हिंदी में ही मिलता है यहाँ पर पेज वन से लास्ट पेज नहीं पढ़ना है ना सिर्फ चीफ एडिटर्स प्रीफेस वो जो शुरुआत में मुख्य तंत्री का लेख होता है एक पेज का बस यही पढ़ना है इससे फायदा क्या है आपको ऐसे लिखना है मेन्स एग्जाम का इंट्रोडक्शन कंक्लूजन रेडीमेड आपको सब ब्लॉक मिल गए वो आपने देख लिए दो साल का पढ़ा है मतलब कुल मिला के एक साल में बारह टाइम्स टू मैगजीन चौबीस और ऐसे दो साल तो मतलब क्या हुआ फोर्टी एट तो फोर्टी एट पेजिस ही पढ़ने क्योंकि ये एक, -एक पेज ही है उतना ही देखना है सो दैट विल हेल्प यू ग्रेटली इन राइटिंग दी स्टेटमेंट्स उसके बाद मैगजीन के आप इंडेक्स देख लो इंडेक्स में आपको कोई लगे कि ये वाला चैप्टर भी थोड़ा और इम्पोर्टेंट है इशू रिलेटेड टू वीमेन डोमेस्टिक वायलेंस और समथिंग तो हाँ उसको देख सकते हैं या फिर ऑल्टरनेटिवली ये सब वेबसाइट वाले इसकी भी समरी बुलेट समरी बनाकर अपलोड कर दें उसको भी आप देख सकते हैं लेकिन बुलेट समरी आप देखें तो भी ये वाला जो पेज है चीफ एडिटर्स प्रीफेस ये तो ओरिजिनल मैगजीन से आपने ओरिजिनली ही पढ़ना है इंग्लिश में हिंदी में वगैरह भाषा सो दैट इट हेल्प्स यू इन द एसएन एंड राइटिंग क्या मैंने योजना कुरुक्षेत्र में से कोई गवर्नमेंट स्कीम तैयार करनी है जवाब है ना क्योंकि अपने इकोनॉमी के हैंडआउट में सभी गवर्नमेंट स्कीम कवर हो जाएंगी सिवाय के एनवायरमेंट वाली तो स्कीम यहां से कोई तैयार करने की जरूरत नहीं कोई और अलग से इसकी बुलेट समरी बना के उसके अंदर स्कीम दे रहा है तो भी तैयार करने की जरूरत नहीं सारी स्कीम अपने हैंड में कवर हो रही सेकंड ये तो 2016 से भी डाउनलोड कर सकते हैं फ्री में सब कुछ अपलोड किया है गवर्नमेंट साइट पे तो क्या 2016 से डाउनलोड करना है ना क्योंकि फिर 2016 से आप करेंगे एकता कपूर सीरियल जैसा ही रिपीटेटिव ये हो जाता है फॉर एग्जाम्पल हर साल आप पाएंगे इंफ्रास्ट्रक्चर सैनिटाजेशन वाटर उसके तीन मंथ तो उसी में उसने डाले तो दो साल तक बराबर है पुराना देखो कि वही चीज वापस रिपीट होती रहती तो अनडमी जो कोर्स की बात थी वो हुई यूपीएससी प्रिपरेशन इन जनरल जीएस देख लिया न्यूज पेपर करंट अफेयर्स नोट मेकिंग सम सिलेक्टेड पास जहां पर टाइम वेस्टर प्रिपरेशन रिसोर्सेज समय बर्बाद उसमें व्हाट्सएप पर देखो टेलीग्राम वो तो सब पूर्व शरत है आपने खुद से कर दूसरे टाइम वेस्टर रिसोर्सेज क्या है प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो यानी पीआईबी

लोगों ने इन्वाइट कर दिया है क्योंकि उनको पेज व्यूज चाहिए अपने यूट्यूब पे तो डोंट वेस्ट टाइम लाइक दैट ये बात सही है कि एक दो ऐसे क्वेश्चन थे जो इसके डेटा से पूछे गए थे और जो वैसे हम कहीं और नहीं मिलते बट उसको देख कर हम करने जाए तो वो ऐसा है कि हाइएस्ट हैंगिंग एप्पल पकड़ने गए कॉस्ट बेनिफिट अच्छा नहीं सिमिलर कंटेम्प्ट आई हैव फॉर आई डी एस ए आई डी एस ए एक ऐसा ब्लॉग या साइट है जहां पर डिप्लोमेसी एंड इंटरनेशनल रिलेशन की बात होती जिसको ज्ञान लेना है उसके लिए बराबर है बट फ्रॉम यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू मुझे मेरा ये मानना है इट इज़ ओवर रेटेड इसलिए सपोज इंडिया चाइना का अभी बवाल चल रहा है तो अभी बवाल चले या पाँच साल बाद बवाल चले जहां तक इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन की बात है वो तो सेम टू सेम ही रहेंगे कि आज़ादी के बाद ऐसे रिलेशन थे और लास्ट में इन फ्यूचर वी हाउव टू डू कोऑपरेशन क्योंकि बहुत डेमोक्रेसी और हमने पॉवर्टी से लड़ना वगैरह या फिर कि अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के लिए हमने इनको काउंटर करना है तो वो तो तीन चार कॉम्बिनेशन के टेम्पलेट आपने हमेशा रेडी करके रखने चाहिए बॉडी में जो भी पूछा जाए सपोज युद्ध का पूछते हैं या इकोनॉमी का पूछते हैं या कोरोना को ऑपरेशन पूछते हैं तो दो तीन हिस्टोरिक पॉइंट दोगे चार अभी के कोई करंट अफेयर्स के पॉइंट दोगे और अपना काम हो गया टू फिफ्टी वर्ल्ड में बात खत्म तो बियॉन्ड दैट पच्चीस की और है कि चाइना ने सेशल साइलैंड में क्या किया और उधर भारत का ये वाला चीज होगा और उससे तीसरी जगह पर हमको ये चुभेगा काम का नहीं मित्रों इंटरनेशनल रिलेशन मीन्स पेपर टू टू मार्क्स का पेपर उसके अंदर फोर्टी टू फिफ्टी मार्क्स के प्रश्न आते इंडियन फॉरेन सर्विस भारतीय विदेश सेवा मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस है तो मैं और तैयारी करता हूँ ताकि इंटरव्यू में कुछ पूछे जवाब दे सको भाई आप पुराने आई एफ एस टॉपर्स का यूपीएससी का इंटरव्यू क्या हुआ था टॉपर्स इंटरव्यू यहाँ से या उनको फेसबुक में कॉन्टेक्ट करके पूछो सपोज आप अपने फॉर्म में लिखते हो कि मुझे मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस है आई एफ एस मुझे आई एस आई पी एस वो सब बात में चाहिए तो भी यू इंटरव्यू में आपको वो कुछ गिने चुने प्रश्न ही पूछते हैं जैसे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एमबेसी और कॉन्सुलेट और एम्बेसडर के नीचे क्या क्या पोस्ट होती हैं एंड सम अदर बेसिक थिंग्स तो ऐसा नहीं कि फोर्टी फिफ्टी मिनट्स का आपका जो इंटरव्यू है वो पूरा फॉरन सर्विस और इंटरनेशनल रिलेशन में इंक्रीलिंग होगा नहीं आपको क्वालिटी भी पूछेंगे एन्वायरमेंट भी पूछेंगे स्टेट सर्विस स्टेट के बारे में पूछेंगे हॉबी के बारे में पूछेंगे और फॉरेन सर्विस के नाम पर जितना जानना है तो वो तो आपको ट्रेनिंग में सिखाएंगे भी तो ज़्यादा भावुक होके पूरा दिन लोग घुस जाते हैं इसमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं आई फिल इट इज ओवर हमको डोनाल्ड ट्रम्प जैसा प्रैक्टिकल बनना चाहिए ट्विटर पे आपको वो ऐसा लगे कि वो बहुत ही बेतुकी बात करता है बट ही इज़ सेंग एवरीथिंग फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू कि मेरे लिए मेरे देश के लिए फायदेमंद है कि नहीं सिंपली लाइक दैट यू प्रिपेयर कि अपना 250 फिफ्टी का काम हुआ है बात खत्म आगे बढ़ो सिमिलर ओवर एटेड सोर्स इन माई ओपिनियन इज राज्यसभा टी वी अगर आपके पास टाइम है और आप इसको देखते हैं तो आप देखिए मैं मना नहीं कर रहा लेकिन एज इफ दिस इज द कोर थिंग बाकी सब गौन चीज पहले ये करना है ओलंपिक का मेडल पहले इधर से निकलने वाला है ऐसी बात चलती है कुछ लोग तो इसके भी समरी वीडियो बनाते हैं राज्यसभा समरी वीडियो और कुछ लोग उसको देखते भी हैं भाई दैट इज ओलंपिक मेडल जीतना है नंबर वन चाहिए आपको पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए कोर सिलेबस कंप्लीट करो उसके बाद ये सब चीजें आती है सेकेंडरी टर्सरी लेवल पर मैगजीन के नाम पर एक आती है इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली यानी ईपीडब्ल्यू जहां पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात है तो वो अपने लेक्चर हैंड में आ रहा है पॉलिटी और सब सोशल राइट्स एंड सिविल राइट्स की बात होती है तो दूसरे टीचर्स कवर कर रहे हैं तो वो पढ़ लिया काफी है 250 फिफ्टी वर्ड्स के लिए मीनस में या ऐसे पूछा उसमें भी 1200 हंड्रेड टू फिफ्टीन वो तो न्यूज़पेपर पेपर करें डे इधर उधर से हो जाते हैं तो अलग से ऐसा हमें कोई इंटेलेक्चुअल मैगजीन पढ़ो और पचास उसमें से नए इंटेलेक्चुअल पॉइंट फाइंड करके आओ तो भाई वो सब काम कॉस्ट बेनिफिट के हिसाब से अच्छा नहीं कुछ लोग इसकी भी समरी बनाते हैं ईपीडब्ल्यू की समरी मेरे हिसाब से वो कुछ उपयोगी नहीं है उतना सारा ज्ञान आप रिफ्लेक्ट कर भी नहीं पाएंगे कोई सेकंड अटैम्प वाला थर्ड अटैम्प्ट वाला या जिसके पास बहुत फ्री टाइम है वो सब कर रहा है तो उनके लिए बराबर है आप अभी शुरू करें आपका टारगेट क्या है ओलंपिक का फर्स्ट मेडल चाहिए तो फर्स्ट प्रायोरिटी कोर सिलेबस कंप्लीट करो जो बुक्स लेक्चर जहां से आपने करना है हिस्ट्री जोग्राफी पॉलिटी इकोनॉमी वो सब चीज़ें उसके बाद टाइम रहता है तो आप क्विज दो टेस्ट सीरीज वो सब का काम देखना चाहिए और भी टाइम आपके पास रहता है तो सप्लीमेंट्री रीडिंग में आई डी एस ईपीडब्ल्यू राज्यसभा वो सब बराबर है वो देखने आई एम नॉट सिंग डोंट रीड देम आई एम सिंग पहले दूसरी चीज खत्म करो कुछ तो टॉपर्स क्या है आजकल प्रॉब्लम सेकंड अटेम्प्ट में क्लियर करते हैं तो सोशल मीडिया में कुल दिखने के लिए मैं तो कितना कुल और ऑसम मैंने तो एनसीआरटी पढ़ी नहीं थी मैंने तो स्पेक्ट्रम पढ़ी नहीं थी मैं तो डे वन से सिर्फ आंसर राइटिंग ही करती थी या मैं तो डे वन से सिर्फ आईडी से ही पढ़ती थी वो पूरी बात आपको बोल नहीं रहा है कि सेकंड अटेम्प्ट के डे वन से मैं ऐसा करती थी जबकि फर्स्ट अटेम्प्ट के फर्स्ट डे तो मैं एनसीईआरटी पढ़ती थी तो टॉपर का मेल देख के लोग अपनी झुपड़ी जला देते हैं उससे आप बची मेन्स आंसर राइटिंग का क्या अपना ये कोर्स प्लस मेंस दोनों को फोकस कर रहा है लेकिन मेंस की बात मैं कब करूंगा हमारा ये जो बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी तक हम कंप्लीट करेंगे डिजिटल पेमेंट एंड एवरीथिंग तो पेज ट्वेंटी सिक्स पर आप पाएंगे हैंडआउट में मैंने कुछ बहुत सारे मॉक क्वेश्चन दिए हैं जब वहां पर हम लोग पहुंचेंगे तो एक साथ आराम से मींस के लिए मुझे जो जो बोलना है या रेकमेंड करना है आई विल स्पीक दैट सो दैट पार्ट इज ओवर सो यूपीएससी प्रिपरेशन इन जनरल जो मुझे कहना था मैं कह चुका और आपके कुछ डाउट है नो no प्रॉब्लम आप गूगल फॉर्म में मुझे आगे पूछ सकते हैं नाउ लेटर्स एंटर इन टू इकोनॉमी प्रिपरेशन इन स्पेसिफिक जनरल स्टडी हो की अब इकोनॉमी की बात करो तो प्रिलीम मीनस में मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ खुद से आपने क्या पढ़ना है और कुछ और सेपरेट एमसीक्यू सेपरेट फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन इकोनॉमी में वही बात ऑलवेज रिमेंबर द एप्पल कि हमने हाईएस्ट हैंगिंग फ्रूट को ड्रॉप करना नहीं है कट ऑफ कभी भी टू हंड्रेड आउट ऑफ टू हंड्रेड मार्क्स होता नहीं है हम लोग जनरल स्टडीज के लिए इकोनॉमी पढ़ने आए हैं इधर बीकॉम एम कॉम चार्टर्ड अकाउंटेंट इंडियन इकोनॉमिक सर्विस वैसे उसका तो इस साल या कुछ वैकेंसी भी उन्होंने बंद कर दी बैंकिंग सर्विसेज उन सब के लिए हम नहीं है या हमको शेयर ब्रोकर टैक्स कंसल्टेंट फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर नहीं बनना है अनिल अंबानी की कंपनी के शेयर का प्राइस क्यों गिर रहा है अगर आप मुझे पूछे तो उसका मेरा जवाब ये होगा कि क्या यूपीएससी ये प्रश्न पूछने वाला है कि आप मुझको पूछ रहे हैं नो सो विल नॉट वेस्ट टाइम इन सच थिंग्स पुराने पांच साल के पेपर देखो प्रमेंस के यू विल गेट एन आइडिया कि कौन सी चीज काम की है नहीं है एंड अकॉर्डिंगली विल प्रिपेयर इट द हिंदू में और आजकल ये गूगल नाव चलता है वो गूगल नाव आप स्वाइप करोगे कुछ ना कुछ दिखाते रहता है मुझसे सिर्फ एक बार गलती होगी कि मैंने तैमूर का फोटो क्लिक कर दिया और हर बार मुझे बस वो तैमूर का ही फोटो दिखाता है तो आप में से कुछ लोगों ने गलती से भी एक बार कोई शेयर मार्केट का न्यूज़ क्लिक कर दिया होगा तो हमेशा वो आपको फाइनेंशियल टर्म ही दिखाता है लोग फिर बहुत स्ट्रेस में आ जाते हैं सर आपने ये नहीं पढ़ा ये नहीं पढ़ा भाई वो सब काम का है ही नहीं जो काम की चीजें हम लोग पढ़ रहे हैं सो विल नॉट वेस्ट टाइम सो इकोनॉमी में हम लोग असल में पढ़ने क्या वाले हैं इकोनॉमी को हम लोग छह पिलर में धीरे धीरे पढ़ेंगे सबसे पहला पिलर है मनी बैंकिंग फाइनेंस इंश्योरेंस यहां पर हम लोग क्या पढ़ेंगे ये फी एड बनी क्या है लीगल टेंडर क्या है डिजिटल पेमेंट क्रिप्टो करेंसी फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे तो आर की मॉनिटरी पॉलिसी ये सी आर आर एस रेपो रेट और बहुत सारी चीज़ें बैंकिंग सेक्टर का एवोल्यूशन नॉन परफॉर्मिंग एसिड्स इंसॉल्वेंसी कोड बासिल नॉम्स फिर थोड़ा आगे पढ़ेंगे तो शेयर मार्केट कंपनीज एक्ट कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी लास्टली पेंशन इंश्योरेंस ये प्रधानमंत्री जनधन और बहुत सारी अलग अलग फाइनेंशियल इंक्लूजन स्कीम्स सो दैट वी विल स्टडी हम लोग यहाँ पर क्या नहीं पढ़ेंगे आर बी आई सी एबी आई आर डी आई ये सब बहुत सारे टेक्निकल पेपर्स इशू करते हैं जिसका इकोनॉमी के लिए महत्व है बट यूपीएससी एग्जाम में वो काम के नहीं जैसे सैबी गाइडलाइंस फॉर म्यूचुअल फंड एग्रीगेटर्स उसका क्या ऑब्जेक्टिव है कोई ऑब्जेक्टिव नहीं not important for है नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर यूपीएससी ऐसे ये शेयर ब्रोकर इन्वेस्टर बैंकिंग बिजनेस जीके की आर सेबी का मतलब कितनी जगह पर उसकी अब हैं, तो वो सेबी ऑफिसर की एग्जाम में हमारे लिए काम का है यहाँ पर इतना काम करना है हमें पता होना चाहिए स्टेचुटरी uh, बॉडी है ये चेयरमैन होते हैं इतने साल का कार्यकाल होता है वगैरह सो लाइक दैट एल आई को हर एक की छोटी छोटी ट्रिवियल जनरल नॉलेज हम तैयार नहीं करेंगे के अंदर जितना इकोनॉमी पूछा जाता है उसमें मेरे हिसाब से ये वाला जो पिलर है मनी बैंकिंग फाइनेंस इंश्योरेंस ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पिछले चार सालों में हम लोग देखे तो सौ में से अराउंड सिक्स टू सेवन क्वेश्चन ऐसे हैं कि वो इधर उधर से पूछे जाते हैं जो आरबीआई का कुछ रेपो रेट या आरबीआई ने ये काम किया यू पी आई या बीम एप आया है या कुछ और चल रहा है सो यस वी हैव टू प्रिपेयर दिस इन अ ग्रेटर डिटेल और हम वो पढ़ेंगे मेन्स में उपयोगिता क्या है मेन्स में डायरेक्ट कोई क्वेश्चन आया कि नहीं सपोज मेन्स पेपर वन टू एंड थ्री हर एक टू मार्क्स का होता है तो कुल मिलाकर हुए सेवन मार्क्स उसमें सिर्फ 2016 में डायरेक्ट क्वेश्चन मिलता है कि प्रधानमंत्री जनधन योजना और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का कुल मिलाकर 25 फाइव मार्क्स के क्वेश्चन थे उसके बाद हमको डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं मिलते कि सीधा आरबीआई बी की ये चीज पर लिखो या ये मुद्रा योजना क्या है उस पर लिखे नो no. लेकिन इनडायरेक्टली इंपॉर्टेंट है वो सारी चीजें आप ग्रोथ इन्वेस्टमेंट मेक इन इंडिया पॉवर्टी अनएम्प्लॉयमेंट हर जगह पर यूज कर सकते सो मेन्स एग्जाम में इनडायरेक्टली यूजफुल है मेन्स एग्जाम में डायरेक्टली बहुत यूजफुल नहीं है देन वी विल लर्न अबाउट सेकेंड पिलर जहाँ पर बजट टैक्सेशन जीएसटी, पब्लिक फाइनेंस सब्सिडी ये सब पढ़ते हैं तो हम लोग क्या पढ़ेंगे बजटिंग टैक्सेशन सब्सिडीज डेफिसिट एफ आरबीएमए डिस इन्वेस्टमेंट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, लेटेस्ट बजट इकोनॉमिक सर्वे टू थाउजेंड एटीन क्योंकि कुछ बार ऐसा होता है कुछ चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है जो फिर आगे हमको दिखती रहती है और जो आगे भी चल रहा है जैसे आत्मनिर्भर पैकेज पीएम केयर फंड वगैरह जीएसटी फिफ्टीन फाइनेंस कमीशन ब्लैक मनी डीमोनेटाइजेशन वो सब प्रीलिम के अंदर इट हैज बीन अ मिक्स बैग अराउंड एक से तीन एमसीक्यू देखने को मिलते हैं हम लोग क्या नहीं पढ़ेंगे तो चार्टर्ड अकाउंटेंट की एग्जाम का नहीं पढ़ेंगे तो टैक्सेशन लॉज पे की ई विड्रॉल पर कितना इनकम टैक्स लगता है भाई हमारे लिए काम का नहीं कौन से फाइनेंस मिनिस्टर ने कितनी बार बजट प्रेजेंट किया था या फ्रिज या टीवी या वॉशिंग मशीन नए बजट के बाद कितना सस्ता हुआ नहीं पढ़ेंगे यूपीएससी ऐसे प्रश्न नहीं करते मेन्स एग्जाम में उपयोगी है हाँ पिछले तीन साल में हर साल एटलीस्ट ट्वेंटी फाइव मार्क्स के डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं बजट में से मेन्स में क्या पूछते हैं जैसे जीएसटी के बारे में दो बार प्रश्न आ गए हैं फाइनेंस कमीशन के बारे एक बार प्रश्न पूछा जेंडर बजटिंग पब्लिक एक्सपेंडिचर चैलेंजेस वगैरह वो सब भी हम लोग देखेंगे और, और भी मॉक क्वेश्चन भी ट्राई करेंगे थर्ड पिलर इज इंटरनेशनल ट्रेड तो इंटरनेशनल ट्रेड बैलेंस ऑफ पेमेंट आई एम एफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वगैरह हम लोग यहाँ क्या पढ़ेंगे ये करंट अकाउंट डेफिसिट एक्सचेंज रेट वन डॉलर इक्वल सेवेंटी रुपीज ये कौन कैसे तय करता है वो कैसे चेंज होता है करेंसी कन्वर्टेबिलिटी क्या है एफ के रूल्स क्या है ऑयल प्राइस करेंसी मैनिपुलेशन प्रोटेक्शनिज्म ट्रेड वॉर डब्ल्यू टी ओ दूसरे इंपॉर्टेंट समिट्स ट्रीटीज आर सी पी अग्रीमेंट दूसरे और भी अग्रीमेंट्स देखेंगे हम लोग क्या नहीं पढ़ेंगे तो मंथली बेसिस पर क्रूड ऑयल के प्राइस अप डाउन होते हैं रूपी डॉलर प्राइस अप डाउन होता है हमें पूरे साल का ट्रेंड पता होना चाहिए हर महीने क्या बवाल चल रहा है वो हमने नहीं करना है सिमिलरली इंटरनेशनल इकोनॉमी के ऐसे इश्यू जो इंडिया को सीधा अफेक्ट नहीं करते हैं उसे हमने सिलेबस का हिस्सा नहीं विल नॉट प्रिपेयर प्रीलिम्स में उपयोगिता क्या है पिछले तीन साल में चार से सात सवाल आ रहे हैं अफकोर्स ये क्लासिफिकेशन ऐसा है कि सपोज कोई आपको पढ़ा रहा है इंटरनेशनल रिलेशन तो आईएमएफ का प्रश्न है तो वो ऐसा बोलेगा वो तो इकोनॉमी नहीं वो तो इंटरनेशनल रिलेशन का प्रश्न है क्योंकि हर एक टीचर यही दिखाना चाहेगा कि उसके सब्जेक्ट से ज्यादा प्रश्न आते हैं तो मैं ऐसा कोई कंटेस्ट नहीं करता कि इधर मैंने इलेवन लिखा है तो इलेवन हर एक आदमी मान लेगा बट ये बात सही है कि ये सब जगह से प्रश्न आते हैं इंटरनेशनल इकोनॉमी से मीन्स में उपयोगिता क्या है जिगजैग चल रहा है एक बार 25 मार्क का पूछा फिर कुछ नहीं आया फिर 30 मार्क का फिर टू कुछ नहीं आया मींस में यहाँ से प्रश्न ऐसे आते हैं जैसे डब्ल्यू टी ओ प्रोटेक्शनिज्मीओ पसंद आ गया तो दो तीन बार उन्होंने वही पूछते रहे फिर एफ डी आई को कैसे इम्प्रूव करे प्रोटेक्शनिज्म करेंसी मैनिपुलेशन वो सबके मुद्दे में पूछे गए इनडायरेक्टली भी आप ग्लोबलाइजेशन इंटरनेशनल रिलेशन इवन इंडिया चाइना की बवाल में भी आप लिख सकते हो दीज आर द इकोनॉमिक एंगल्स दिस इज हाउ वी कैन काउंटर दैम दिस इज हाउ अपॉर्चुनिटीज प्रेजेंटेड सो इट इज यूजफुल इकोनॉमी का फोर्थ पिलर है सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी में क्या आता है एग्रीकल्चर मैन्युफैक्चरिंग सर्विस सेक्टर तो उसकी अलग अलग स्कीम पॉलिसी इंक्लूडिंग लेटेस्ट बजट सब्सिडी लोन वेवर्स अभी बात चले कि ए में रिफॉर्म क्या एक एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के अंदर रिफॉर्म में दूसरा ऑर्डिनेंस ऐसे तीन ऑर्डिनेंस कुछ चल रहा है वो सब भी हम देखेंगे मीन्स पेपर थ्री में एक मुद्दा है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री और उसकी अपस्ट्रीम डाउन इश्यू तो वो भी हम लोग देखेंगे प्लानिंग कमीशन नीति आयोग जीडीपी क्या है अनएम्प्लॉयमेंट क्या है इन्फ्लेशन महंगाई दर डब्ल्यू पी वो सब के थियरी करंट इश्यूज फिर माइक्रो इकोनॉमिक्स वो डिमांड इलेसपी एंड सप्लाई के सब रूल्स वगैरह वो भी हम लोग पढ़ेंगे बट वो वाला पोर्शन एकदम लास्ट में मैं पढ़ा था यहाँ पर हम क्या नहीं पढ़ेंगे एकदम ट्रिवियल चीजें जैसे आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड वो पूरा दिन फ्री में बैठा है तो हर पंद्रह दिन में कॉमेंट्री मारता रहता है कि इंडिया का जीडीपी अब इतना डाउन होगा फिर वापस तो नहीं अभी इतना नहीं अभी इतना डाउन ऐसी जो बैठे बैठे कॉमेंट्री करते रहते दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट पूरे साल की एक बार में इकोनॉमिक्स और या बजट में जो बोले इतनी डाटा हमको तैयार करके जाने चाहिए सिमिलरली इंडिया टूरिज्म सेक्टर इज एस्टिमेटेड टू बी दिस मैनी बिलियन डॉलर इंडस्ट्री भाई ऐसे तो 500 सब इंडस्ट्रीज हैं भारत में सबकी तैयार करने गए तो कैसे याद रहेगा सो विल नॉट वेस्ट टाइम लाइक दैट वैसे पिलर तो उपयोगी है चार से आठ सवाल निकल रहे हैं मेनली यहां पर आप पाएंगे कि गवर्नमेंट स्कीम टाइप के सवाल जीडीपी का एक थियरी का सवाल निकल आता है इन प्रिलिम एग्जाम मेन्स एग्जाम में बहुत 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 ज्यादा उपयोगी है कंपेयर टू अदर पिलर्स आप पाएंगे पिछले तीन साल में तो फिफ्टी सिक्सटी मार्क का आ ही रहा जा, है ज्यादातर फोकस ये रहता है कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट मेक इन इंडिया एलपीजी रिफॉर्म्स फिर भारत के अंदर एक्सपोर्ट को बूस्ट करने से कैसे लेबर एम्प्लॉयमेंट में और बढ़ोतरी हो सकती है जीडीपी को कैसे बढ़ा इंडस्ट्रियल ग्रोथ क्यों नहीं आ रहा है मिनिमम सपोर्ट प्राइस और एग्रीकल्चर की दूसरी स्कीम नीति आयोग प्लानिंग कमीशन का क्या डिफरेंस है इंक्लूसिव ग्रोथ कैसे लाते हैं सो ऑल दो इश्यू बजट इकोनॉमिक सर्वे सब हम देखेंगे फिर इकोनॉमी का पांचवा पिलर है इंफ्रास्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एनर्जी कम्युनिकेशन रूरल अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर उसके इश्यूज पॉलिसी स्कीम्स बहुत सारे एप्स हैं वो सब देखेंगे मेन्स पेपर थ्री में एक मुद्दा आता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप एंड इन्वेस्टमेंट मॉडल वो भी हम लोग देखेंगे हम क्या नहीं पढ़ेंगे रेल बजट नहीं पढ़ेंगे क्योंकि रेल बजट जैसी चीज है ही नहीं वो तो जनरल बजट में मर्ज हो गई और दूसरी बात जनरल बजट में भी जो अनाउंसमेंट होते हैं कि इस बार हम लोग ट्वेंटी नए ट्रेन रूट खोल रहे हैं तो वो सब यूपीएससी ऐसे, ऐसे प्रश्न निकालते हैं टेलीकॉम रेगुलेटरी एक अथॉरिटी ट्राई वो बहुत सारे टेक्निकल कंसल्टेशन पेपर इशू करते हैं व्हाइट पेपर ऑन 5G स्पेक्ट्रम बैंड व्हाइट पेपर ऑन कॉल ड्रॉप्स बेसिक आइडिया हमको होना चाहिए हर एक में फिर एजीआर तो उसका बेसिक आइडिया फिर उसकी सुप्रीम कोर्ट का डेली जजमेंट देखते रहो नॉट इम्पॉर्टेंट विल नॉट वेस्ट टाइम लाइक दैट मिक्स बैग है कभी चार कभी तीन कभी एक एमसीक्यू निकल के आते हैं मेन्स एग्जाम में भी इंफ्रास्ट्रक्चर वेल well, जैसा सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी तो जैसे सिक्सटी मार्क का हमको मिल रहा था या ऐसा नहीं एक आध सवाल आता है दस पंद्रह मार्क का ज्यादातर प्रश्न है ऐसे हैं स्मार्ट सिटी क्या है मास ट्रांसपोर्ट में इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे आ सकता है तो मेन्स पेपर वन में ज्योग्राफी के साथ कुछ जुड़े हुए मुद्दे अर्बनाइजेशन उसके साथ इकोनॉमी को जोड़ के प्रश्न पूछे मीन्स पेपर टू में इंफ्रास्ट्रक्चर से कुछ स्पेसिफिकली अब तक पूछा नहीं लेकिन हाँ पॉवर्टी एजुकेशन हेल्थ कुछ भी बोल रहे तो अल्टीमेटली यू हैव टू टॉक अबाउट ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर आई इंफ्रास्ट्रक्चर इनडायरेक्टली यू कैन यूज दम मीन्स पेपर थ्री में स्मार्ट सिटी एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इन एयरपोर्ट वो सब देखा था और भी प्रश्न पूछे गए और हम लोग मॉक क्वेश्चन भी कुछ देखेंगे सो दैट इज फिफ्थ पिलर लास्ट पिलर इज ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट सिक्स्थ पिलर यहां पर हम लोग देखेंगे जेंडर एजुकेशन स्कील पॉवर्टी हेल्थ हंगर पॉपुलेशन इन सब के अलग अलग स्कीम्स इश्यूज़ पॉलिसीज एप्स पोर्टल्स बजेट इकोनॉमिक सर्वे स्कीम नोटेबल गवर्नमेंट रिपोर्ट्स इंडाइसिस यूएनडीपी का ये रिपोर्ट आई का ये रिपोर्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स ये सब बातें देखेंगे क्या नहीं देखेंगे प्रीवियल फिगर्स छोटे छोटे डेटा हर चीज के काम के नहीं आपको मेन मेन चीज पता होनी चाहिए कि अपना इनफट मॉर्टालिटी मेटर्नल मोर्टेलिटी बिलो पॉवर्टी लाइन पॉपुलेशन क्या है लेकिन हर एक चीज की ये वाले स्टेट में ऐसा है हर एक चीज इसमें ये रैंकिंग है कॉस्ट बेनिफिट नहीं जो डेटा इंपॉर्टेंट है आपको हैंड आउट में मिल जाएगा उसमें नहीं दिया तो खुद से बहुत ज्यादा लेफ्ट राइट करो मत यहाँ तक प्रीलिम की बात है वेल इसमें अच्छा चला था लास्ट ईयर तो कुछ ज्यादा सवाल यहाँ से हमको देखने को नहीं मिले स में इट इज ऑलमोस्ट एज गुड एज द सेक्टर्स ऑफ सेक्टर्स ऑफ इकोनॉम से हमने देखा अराउंड मार्क का क्वेश्चन आता है ऐसे ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट से आप पाएंगे टू मार्क्स के क्वेश्चन मींस में मिलते हैं और उसके अलावा ऐसे पेपर में जो भी लिख दिया वो तो बोनस है मीन्स में यहाँ प्रश्न ऐसे पूछेगा जैसे पेपर वन तो पॉवर्टी रिमूवल नीति आयोग का एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम मीन्स पेपर टू में पूछा डेमोग्राफिक डिविडेंड एजुकेशनल रिफॉर्म हेल्थ हंगर पॉवर्टी की स्कीम्स पेपर थ्री में पूछा मैन पावर प्लानिंग से ग्रोथ कैसे आ सकता है इंक्लूसिव ग्रोथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में क्या प्रोग्रेस रही एंड सो मैनी थिंग्स वो हम लोग देखेंगे और कुछ और मॉक क्वेश्चन भी देखेंगे तो कुल मिलाकर अगर सबको हम लोग समेशन करें एक तो इकोनॉमी प्लस गवर्नमेंट स्कीम्स और इनको हम ऐड करें कुल मिलाकर कितना मिलता है मैंने आपको आगे बताया हर एक टीचर का क्लासिफिकेशन मेथड अलग होता है जैसे कि मैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को इकोनॉमी में काउंट कर लूंगा तो इंटरनेशनल रिलेशन वाला बोलेगा नहीं वो तो अलग सब्जेक्ट है सो विल डिसाइड देयर सब्जेक्ट अकॉर्डिंगली लेकिन फिर भी एटलीस्ट टू आपको ऐसे मिलते हैं जो इकोनॉमी या गवर्नमेंट स्कीम के आसपास कुछ बात चल रही है यानी प्रीलिम में अराउंड वन फिफ ऑफ द क्वेश्चन पेपर इज डिवोटेड टू दिस मेंस की अगर बात करें तीन पेपर पेपर वन टू थ्री टोटल फिफ्टी मार्क्स तो उसमें से अराउंड वन एटी मार्क्स का माल यानी अगेन अराउंड वन फिफ ऑफ द थ्री पेपर्स हमें मिलता है लेकिन यहाँ पर हर एक इंडिविजुअल पिलर हर एक जगह पर इक्वल इंपॉर्टेंट नहीं है जैसे कि प्रिलिम में ये पहला पिलर आरबीआई वाला बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन मेन्स में आप पाएंगे कि बहुत खास उपयोगी नहीं जहां तक सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी और ये ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट तो आप पाएंगे प्रीलिम्स और मेन दोनों जगह पर बहुत इंपॉर्टेंट है ये इंफ्रास्ट्रक्चर और इंटरनेशनल ट्रेड उसको मैंने हाफ हाफ स्टार दिया मतलब बाकी सब से वो थोड़े कम इंपॉर्टेंट यूपीएससी मित्रों एक अनप्रेडिक्टेबल एग्जाम है तो जरूरी नहीं कि नेक्स्ट ईयर भी ऐसा ही ट्रेंड फॉलो हो लेकिन फिर भी जब आप रिविजन कर रहे हैं तो आपकी प्रायोरिटी खुद से तय होनी चाहिए कि मैं प्रिलिम पढ़ रहा हूँ तो हाँ ये वाला जो मनी बैंकिंग फाइनेंस ये बहुत काम का है और मेरे को जितना टाइम बचेगा तो इंफ्रास्ट्रक्चर वो सीक्वेंस में शायद मैं थोड़ा पहले बाद में रिविजन देखता हूँ सो लाइक दैट यू प्रिपेयर द थिंग्स आपके हैंडआउट के पेज वन में ही मैंने ये समरी बनाकर दी है आप प्रीलिम्स और मेंस के पुराने पेपर भी टॉपिक वाइज साइड से देख सकते हैं और आप अब हम ये करते हैं अगेन लेट अस टेक अ ब्रेक फॉर फाइव मिनट्स और उसके बाद आगे जो कुछ चर्चा करनी है वो हम करते हैं सो ब्रेक फॉर फाइव मिनट्स अबाउट द प्रिपरेशन के अंदर इकोनॉमी में कौन से टॉपिक हम लोग प्रीलिम और बेंस में पढ़ने वाले कोर्स में बात हुई नेक्स्ट इज रीडिंग लिस्ट और कुछ दूसरे फ्रीक्वेंटली so आपने इकोनॉमी पढ़ाओगे वो तो बोला लेकिन बजे और इकोनॉमिक सर्वे पढ़ाओगे ऐसा नहीं बोला आर यू गोइंग टू टीच दैट और नॉट द आंसर इज यस वो हम पढ़ेंगे बट पिलर के हिसाब से जैसे कि इकोनॉमिक सर्वे वॉल्यूम टू और उसका चैप्टर फोर वो होता है मॉनिटरी मैनेजमेंट मतलब आर का रेपो रेट वगैरह की बात तो वो पिलर वन में हम देखेंगे फिर ये नया इकोनॉमिक सर्वे आया था उसमें एक चैप्टर था थाली नौमिक्स. मतलब थाली कितनी महंगी या सस्ती हुई तो वो भी पढ़ेंगे बट पिलर फोर सी इन्फ्लेशन में सो लाइक दैट एवरी थिंग विल बी कवर डोंट वरी वो अलग अलग पिलर्स में कवर हो जाएगी इसके भी और उसके पहले वाले इकोनॉमिक सर्वे भी जितने आए थे उसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी कवर होंगी फ्रॉम मेन्स पॉइंट ऑफ व्यू तो इकोनॉमिक सर्वे मतलब ये चीज़ क्या है बजट के एक दिन पहले गवर्नमेंट ये डॉक्यूमेंट रिलीज करती है जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर बनाकर उनको देते हैं अभी चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर है के सुब्रमण्यन कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यन ये इकोनॉमिक सर्वे का फॉर्मेट होता है वॉल्यूम वन में नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिडिक्शन और प्रिस्क्रिप्शन होते हैं कि हमने ऐसा करना चाहिए सबको यूनिवर्सल बेसिक इनकम के नाम पे 12000 देने चाहिए जनधन आधार मोबाइल से सब सब्सिडी ट्रांसफर करनी चाहिए और बहुत सारी बातें क्या आपने ये पढ़ना है इसकी जो भी समरी है अभी की भी और पिछले फ्रॉम टू थाउजेंड फिफ्टीन ऑनवर्ड्स वो सबकी समरी आपको हैंड आउट में मिल ही रही है अलग अलग जगह पर जी में ये करना है वीमन एम्पावरमेंट में ये वाली चीज़ है उनका लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन बढ़ाना है वगैरह आपने खुद से ये काम करना है आफ्टर द कोर्स इज ओवर ये इंडिया बजट डॉट जी ओ वी डॉट इन वहाँ से टू थाउजेंड फिफ्टीन ऑनवर्ड्स सारे पी डाउनलोड करो इंग्लिश में भी कर सकते हैं हिंदी में एग्जाम देना हिंदी में भी कर सकते पूरी चीज़ नहीं पढ़नी है अगेन यहाँ पर भी इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन हर एक चैप्टर के सिर्फ देखने वो एक एक पैराग्राफ जितनी चीज़ उसमें काम की होती है दैट इज़ फॉर मेन्स एंड ऐसे आपको सीधे स्टेटमेंट मिल जाएंगे आप यूज़ कर सकते हैं वॉकेबुलरी एक्सप्रेशन स्किल को इम्प्रूव करता है तो वॉल्यूम वन के ही सिर्फ ये चीज़ करना है ये भी गिन के देखेंगे तो पढ़ने के हिसाब से मे बी फोर्टी टू फिफ्टी पेजिस वर्थ ऑफ कंटेंट ही पढ़ना है पूरा सर्वे नहीं पढ़ना है सिर्फ इंट्रोडक्शन कंक्लूजन का एक एक पेज और उसमें भी बुलेट पॉइंट के हिसाब से थोड़े ही देट सो डू दैट सो दैट इज फॉर वॉल्यूम वन और ये भी कोर्स खत्म होने के बाद अभी से नहीं देखना क्योंकि अभी आपको वो टॉपिक पता नहीं होगा यू विल नॉट बी एबल टू कनेक्ट वॉल्यूम टू होता है डिस्क्रिप्शन ऑफ द पास्ट मतलब लास्ट ईयर में अपना इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कितना था टैक्स में कितना पैसा है ऐसा सब बातें होती है वॉल्यूम टू में वॉल्यूम टू आपको 2015 से डाउनलोड करके देखना है आंसर इज नो आपने उसके कोई इंट्रोडक्शन कंक्लूजन देखने अगेन द आंसर इज नो वो इतनी काम की नहीं लेकिन जब 2021 का नया सर्वे आए वो आपने डाउनलोड करना है और उसके वॉल्यूम टू के अंदर एक होता है स्टेटिस्टिकल पर आपको अपने स्टेट के बारे में सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी इनप मॉर्टालिटी कितनी मैटरनल मोर्टालिटी कितनी स्कूल ड्रॉप आउट कितना है तो इंटरव्यू में कुछ काम को आएगा बाकी जितना डेटा होगा वो जो काम का है हम लोग हैंड आउट में देख लेंगे तो वॉल्यूम टू में खुद से कुछ ज्यादा करना नहीं सिवाय कि ये नेक्स्ट ईयर का इंटरव्यू के लिए स्टेट का डेटा निकालना है सो इकोनॉमिक सर्वे मैटर इज डन कुछ लोग ये भी पूछते हैं सर YouTube पे आपकी पूरी इकोनॉमी की एक सीरीज थी बजट इकोनॉमिक सर्वे 2017 वो अब देखनी है कि नहीं आंसर इज नो इसका कारण यह है कि उसमें जो चीजें थी जो थियरी वाला पोर्शन उसको वो हम वापस ज्यादा स्ट्रक्चर तरीके से ज्यादा कॉम्पैक्ट तरीके से विथ न्यू अपडेट्स एंड रिविजल फ्रेंडी हैंड आउट में हम लोग देख रहे हैं तो ये पुराना देखने की अब जरूरत नहीं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आप इकोनॉमी मेन्स के लिए पढ़ाने वाले द आंसर इज यस मित्रों मेन्स में इकोनॉमी तो के प्रश्न कैसे होते हैं कुछ होते हैं कि एकदम फैक्चुअल सीधा ही पूछ लिया

क्या आपको लगता है इंडिया इज सफरिंग फ्रॉम जॉबलेस ग्रोथ ये सब मैटर के लिए भी इंट्रोडक्शन कंक्लूजन और बॉडी के पॉइंट्स देखेंगे बट कई बार ये होगा कि आपने न्यूज़पेपर आप जितना पढ़ेंगे आपको कुछ और नई चीज मिलेगी वो आई एम को आप कनेक्ट कर सकते हैं यू कैन राइट इवन बेटर आंसर्स तो मेरा ये कहना है कि इकोनॉमी के जो मेंस में प्रश्न आते हैं उसमें कोई ऐसी चीज नहीं है कि आपको अलग से कोई स्पेशल या सेपरेट कोचिंग की जरूरत हो या अलग से मैंने कोई दूसरा मटेरियल देखो ये वाला नॉट रिक्वायर्ड जो काम की चीज है एक ही बार में आपको सब कुछ मिल रहा है ये अन अकेडमी में एक तो होता है प्लस क्लास मतलब जहां पर ये आपने फीस भरी और आप पेड क्लास देख रहे हैं फिर एक चीज होती है स्पेशल क्लास मतलब वो सिर्फ फ्री में अकाउंट रजिस्टर किया और वीडियो देख सकते हैं तो स्पेशल क्लास का मैं कैसे यूज करता हूं कि आपका कोर्स खत्म हो गया उसके बाद सपोज अभी विन ट्वेंटी सी करके फ्री में अपडेट्स या नेक्स्ट ईयर के लिए ऐसे अपडेट सो यू विल बी एबल टू यूज देम इवन इफ योर सब्सक्रिप्शन इज ओवर उसी प्रकार मेन्स के जो पेपर होते हैं उसके मॉडल आंसर भी मैंने ये स्पेशल क्लास के अंदर ही डाल के रखे सो प्लीज गो थ्रू देम तो आपको और आइडिया आ जाएगा कि बहुत ज्यादा रिसर्चर बनने की कोई जरूरत ही नहीं इकोनॉमी थोड़ा थोड़ा बताओ तो भी आराम से अच्छे जवाब लिख सकते हैं सो दैट इज द आइडिया तो इकोनॉमी में प्रश्न ये कि रीडिंग लिस्ट क्या है क्योंकि इवन ऑफलाइन क्लासेस में भी जब पहला लेक्चर होता है तो रीडिंग लिस्ट लिखवाते हैं ये वाले किताब खरीद लेना मेरे केस में देर इज नो प्री रिक्विजिड कि आपने कोई बुक खरीदनी है या पहले से पढ़ के आना है नथिंग रिक्वायर्ड सिर्फ एक चीज कि हम लोग जब थर्ड पिलर में जाए बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस इंटरनेशनल ट्रेड करेंसी एक्सचेंज तो उससे पहले एनसीआर क्लास इलेवन इंडियाज इकोनॉमिक डेवलपमेंट वो सिर्फ आपने स्टोरी बुक की तरह पढ़ के आनी है नोट्स बनाने हैं नहीं बहुत कुछ रट के आना है नहीं सिंपली लाइक अ स्टोरी बुक यू रीड इट ताकि वो ऐसे में और वो सब कनेक्ट करके आप लिख सके सो दैट इज ओनली वन थिंग उसके अलावा इकोनॉमी की कोई एनसीआर क्लास नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व देखनी नहीं माइक्रो इकोनॉमिक्स माइक्रो इकोनॉमिक्स नहीं देखना तमिलनाडु के टेक्स्ट बुक वैसे तो अच्छे है बट इस केस में देखने की जरूरत नहीं उसमें जो भी काम की चीज है वो सब हैंड आउट में एक ही बार में आ जाता है जब अपना कोर्स खत्म हो जाए तो आपने 2015 थाउजेंड फिफ्टीन ऑनवर्ड के सब इकोनॉमिक सर्वे डाउनलोड करेंगे और उसके वॉल्यूम वन के सिर्फ इंट्रोडक्शन कंक्लूजन सपोज हर साल 12 से 13 चैप्टर हो और उसमें एक पेज इंट्रोडक्शन एक पेज कंक्लूजन तो दो दो पेज हो गए और ऐसे अपनी कल कुल मिला हार्डली फोर्टी फिफ्टी पेजेस पढ़ना है वो करना है प्लस दो साल के योजना कुरुक्षेत्र मैगजीन वो भी पूरे नहीं सिर्फ उसमें चीफ एडिटर्स डेस या प्रीफेस तो दो साल के चौबीस मैगजीन हर जगह एक एक पेज कितना अराउंड फोर्टी पेजेस आपने देखने डू दैट एक्टिविटी डेली आपने इंडियन एक्सप्रेस या द हिंदू पढ़ो लेकिन उसमें नोट्स बनानी नहीं क्योंकि इकोनॉमी मैंने आपको बताया बट पढ़िए न्यूज पेपर ताकि आपकी वॉकेबिलिटी ठीक हो और आप में, में लिख सके। कुछ और प्रश्न है सर ये इंडिया ईयरबुक आता है वो देखना है कि नहीं जहाँ तक इकोनॉमी की बात है इकोनॉमी के जितने चैप्टर है कॉमर्स कॉर्पोरेट अफेयर एजुकेशन स्किल डेवलपमेंट से लेकर सब वो अपने हैंड में कवर हो जाएंगे सो यू डोंव टू रीड दो आपने खुद से कुछ चैप्टर्स देखने एक तो चैप्टर ट्वेल्व एनवायरमेंट का पॉलिटी का चैप्टर टू थ्री ट्वेंटी ट्वेंटी एट जैसे ट्वेंटी एट चैप्टर है उसमें बात क्या है कि वेलफेयर ऑफ द शेड्यूल कास्ट एंड वेलफेयर ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी तो ऐसी गवर्नमेंट स्कीम है वो सब अपने हैंड आउट में कवर होंगी लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है या लीगल मैटर एट्रोसिटी एक्ट एंड दिस नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस वो पॉलिटी के लेक्चर और पॉलिटी से आप प्रिपेयर करेंगे जो 2021 के एग्जाम के लिए ट्राई कर रहे हैं देन माय सजेशन ही सजेशन इज की आप 2021 की जब एडिशन आए फेब्रुआरी या जनवरी मंथ में तब खरीदना अभी 2020 की ईयरबुक बुक खरीदने की जरूरत नहीं दूसरी बात ये इंडिया ईयरबुक मतलब क्या इंडिया 2020, इंडिया 2021 ऐसी आती मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग उसको पब्लिश करती दैट इज वन यू शुड रिफर बहुत सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूट ने भी मिलते जुलते नाम की इंडिया ईयरबुक बाई हिल पब्लिकेशन वगैरह लॉन्च किया बट वो चीज़ नहीं देखनी आपने ये सरकारी वाली चीज़ को देखना है और वो भी सारे चैप्टर्स नहीं ये वाले जो मैंने आपको बताए दीज आर द प्राइमरी थिंग्स क्या मैंने एनसीआर देखनी इकोनॉमी के लिए सिर्फ एक ही एनसीआर टी देखनी क्लास इलेवन इंडिया इकोनॉमिक डेवलपमेंट और वो भी स्टोरी बुक की तरह पढ़नी और वो भी थर्ड पिलर में हम लोग पहुंचे उससे पहले वो हिंदी इंग्लिश में फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं बाकी कोई क्लास नाइन टेन इकोनॉमी क्लास ट्वेल्व की माइक्रो माइक्रो इकोनॉमी कुछ देखना नहीं है मित्रों लाल, मैं, तो मैं आपको कुछ भी पढ़ने से रोक नहीं रहा हूं आई एम नॉट फ्रॉम रीडिंग एनीथिंग लेकिन उन सब में भी जो काम की चीज है वो तो अपने हैंड आउट की रिविजन नोट ही है सारा उधर से डिस्टिलेशन करके इंपॉर्टेंट माल आ ही गया तो आपका टाइम बच गया तो अलग से ये सब देखने की जरूरत नहीं जितना आपका टाइम बचा वो दूसरे सब्जेक्ट ज्योग्राफी पॉलिटी हिस्ट्री उन सब में लगाई उमा देखनी है वो इंडियन इकोनॉमिक सर्वे के लिए काम की है बट अपने लिए बहुत काम की नहीं दूसरा ये सब किताबें जब लिखी गई सिक्सटी सेवनटीज और यूपीए सरकार के काल में अभी मोदी सरकार आने के बाद नई नई चीजों के बारे में पूछते हैं इकोनॉमिक सर्वे के अंदर खासकर जो बात हो उसे पूछी जाती है ये सब में से कोई प्रश्न सीधे मिलते नहीं सो इट इज बेटर कि इकोनॉमिक सर्वे और योजना कुरुक्षेत्र के इंट्रोडक्शन देखे गए वो ज्यादा काम का है सो अल्टीमेटली द पॉइंट इज आपने फीस दी है और मैंने फीस लिया उसको क्या वॉट इज द दर्पज ऑफ फीस सब्जेक्ट पढ़ना है एक बात लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है टू सेव योर टाइम कि आपने ये सब चीजें नहीं देखनी उसके बदले एक हैंड एक पावर पॉइंट देख लिया और आपका जितना टाइम बचा वो दूसरी जगह आप लगा सको और यही चीज आप हर एक जगह एप्लीकेट करिए पॉलिटी में ज्योग्राफी में हिस्ट्री में टू सेव योर टाइम ऐसा नहीं होनी चाहिए फिर हंड्रेड तो पूरे महीने में लेक्चर के वीडियो ही देखता रहू नहीं आप सिलेक्टेड चीजें पढ़िए और ज्यादा काम रीडिंग से कर सो रिमेन करिप्लिन इन वीकली स्टडीज मैं इतने घंटे पढ़ूंगा ये काम करूंगा कुछ लोग पूछते हैं सर इकोनॉमिक्स एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताइए आप ऑप्शनल सब्जेक्ट की क्लास क्यों नहीं लेते मैं इकोनॉमी जनरल स्टडीज के लिए पढ़ाता हूँ इकोनॉमिक्स एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट में उस पर नजर नहीं रखता तो कौन सी बुक ज़्यादा यूजफुल है लेटेस्ट ट्रेंड क्या है मेन्स एग्जाम में आई एम नॉट इन अ पोजिशन की मैं उस पर बहुत ज़्यादा अच्छा रिव्यू दे सकूँ जितना कि मैं जनरल स्टडीज पर अभी आपको दे सकता आपका अन एकेडमी प्लस सब्सक्रिप्शन वो एक प्रकार का टीवी चैनल जैसा है सब के प्रोग्राम आप देख सकते हैं तो ऑप्शनल सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स के भी कोर्स बहुत चलते हैं आप उसको ये वाले लिंक से आप देखिए और उसमें से आपको जो जो ठीक लगे वो देखिए एट द सेम टाइम मैं ये भी बताऊंगा इकोनॉमिक्स हम लोग जब जीएस में पढ़ते हैं तो बहुत आसान लगता है ये तो हमारे आप रेट है एस एल समझ में आ गया बट इकोनॉमिक्स एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट उसमें थोड़ा मेन्स भी आता है बहुत सारे थियरी ग्राफ भी आते हैं तो थोड़ा जरा सिलेबस देखिए प्रीवियस पेपर देखिए ऐसा जरूरी नहीं कि आपको इधर जितना मजा आ रहा है वो पूरे सब्जेक्ट में इतना मजेदार जीएस एंड ऑप्शनल सब्जेक्ट आर डिफरेंट कैर तो इकोनॉमिक की वो सब बातें कंप्लीट हुई नाउ लेटस एंटर इन थ्रू द लेक्चर इट सेल्फ शुरुआत पहले करेंगे फर्स्ट पिलर दैट इज मनी बैंकिंग फाइनेंस इंश्योरेंस इसके मैं टुकड़े ऐसे करता हूँ पिलर वन ए वन जहां पर मनी तो बार्टर सिस्टम से लेकर बीटकॉइन यू पी आई भीम क्रिप्टो करेंसी वो सब देखेंगे फिर ए टू वहाँ पर पैसे की बात बट पैसे की क्वांटिटी की बात करेंगे मनी सप्लाई बढ़ाओ मनी सप्लाई कम करो आरबीआई की मॉनिटरी पॉलिसी सी आर आर एस एल आर रेपो रेट वो सब बात फिर थोड़ा आगे बढ़ेंगे पार्ट बी और पार्ट बी वन तो बैंक और एनबीएफसी का क्लासिफिकेशन स्मॉल फाइनेंस बैंक पेमेंट बैंक सीड बी क्या है एग्जिम बैंक क्या है वो सब देन बर्निंग इश्यूज इन द बैंकिंग सेक्टर तो वो एनपीए इंसॉल्सी बैंक अभी सस्पेंड कर दिया छह महीने के लिए उसका ऑर्डिनेंस क्या है से में फिर पिलर वन सी तो शेयर बॉन्ड पार्टिसिपेटरी नोट एक्सटेंटेडेड फंड भारत ईटीएफ दिस एंड वो सब देखें कॉर्पोरेट गवर्नेंस कंपनीज एक्ट टाइप्स ऑफ कंपनीज वो सब बातें पिलर वन डी तो इंश्योरेंस पेंशन फाइनेंशियल इंक्लूजन प्रधानमंत्री जनधन योजना जन आरोग्य योजना और बहुत सारी चीजें पहला चैप्टर और पहली चीज हम जो आज पढ़ने वाले हैं वेरी सिंपल मनी बार्टर टू बिटकॉइन वेरी इजी एंड सिंपल थिंग मित्रों जब पैसा नहीं था व्हेन मनी वाज़ नॉट देयर स्टिल पीपल यूज टू ट्रेड विथ ईच अदर पैसा नहीं था तो भी व्यापार करते थे लोग हाँ यूजिंग बार्टर सिस्टम बार्टर सिस्टम मतलब वस्तु विनिमय या अदला बदली या साटा पद्धति सपोज ये मैडम बोल रहे हैं कि मैं आपको पाँच सौ ग्राम टोमेटो देती हूँ मेरे खेत से और इरफान भाई आप सामने मुझे पांच किलोग्राम गेहूं दे दो और दोनों आपस में एक प्रकार का एक्सचेंज कर दिया मनी इज नॉट देट सिंपली क्वान्टिटी ऑफ वन थिंग एक्सचेंज वि तो इसे कहते हैं बार्टर सिस्टम वॉट आर द बेनिफिट क्या फायदे हैं सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ट्रेड कोई मगजमारी नहीं है सीधा दे दिया इस पर कितना जीएसटी काटना है और कितना क्या है नो प्रॉब्लम सपोज यही रिलेशनशिप हम इराक या ईरान के साथ करें कि आप हमको ऑयल देना हम आपको वीट देंगे तो ये रूपी डॉलर का एक्सचेंज रेट क्या है और उसमें कम ज्यादा हो गया और वो सब प्रॉब्लम हमको परेशान नहीं करेंगे कोई फेक करेंसी आईएसआई नकली डुप्लीकेट करेंसी बना देगा कोई डेंजर है नहीं सो यस बार्टर सिस्टम इज़ वेरी बेनिफिशियल ऑन दिस अकाउंट लेकिन साथ ही साथ उसके कुछ नुकसान भी हैं देर आर सर्टेन लिमिटेशन पहला और सबसे बड़ा लिमिटेशन ये है मैडम बोल रही है इरफान भाई मैं आपको पाँच किलोग्राम अपने फार्म से वीट देती हूँ और आप सामने मुझे टोमेटो दे दो बट सपोज अगे इज सिंह नो मुझे मेरे पास टोमेटोज हैं बट मुझे मैंगोज चाहिए तो आप मैंगो लेके आओ तो एक्सचेंज करते तो फिर यही लेडी ने लेडी नंबर वन उसने फिर जाना पड़ेगा ये दूसरी लेडी के पास अब यहाँ पर देखिए ये वाली जो बहन है उसके पास वेजिटेबल्स तो हैं बट टोमेटोज नहीं है तो ऐसा बोलेगी कि आप मुझे वीट दो तो मैं आपको टोमेटो तो नहीं दे सकती मैं मेरे पास एक गोभी है या फ्लावर है कुछ आपको देती सो तो अगेन ट्रेड कैन नॉट हैपन क्योंकि दोनों पार्टियों को जो चीज़ें चाहिए एक दूसरे के साथ मैच नहीं हो रही है वीट के सामने टोमेटो चाहिए इसको टोमेटो के सामने मैंगो चाहिए ये लेडी के पास है उसके सामने वीट चाहिए जब अगर मैच नहीं होगा तो ट्रेड नहीं हो सकता सो द बिगेस्ट लिमिटेशन ऑफ दिस बार्टर सिस्टम इज डबल को इंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स होगा तभी ट्रेड हो सकता है अगर आवश्यकताओं का दोहरा संयोग होगा कि लेडी बोले मैं टोमेटो के सामने वीट एक्सचेंज करना है इरफान बोले मुझे भी टोमेटो के साथ बीस एक्सचेंज करना है तभी ट्रेड हो सकता है अदरवाइज नहीं होता एज अ रिजल्ट बार्टर सिस्टम इज इन एफिशियंट क्योंकि ये लेडी ने अपने टोमेटो और व्हीट के एक्सचेंज के चक्कर में तीन चार पांच दस जगह पर घूमना पड़ेगा क्या आपको इंटरेस्ट है क्या आपको है, क्या आपको आपको इंटरेस्ट इंटरेस्ट है है तो उसका सर्च कॉस्ट या ट्रांजेक्शन कॉस्ट बढ़ जाएगा सपोज वो रिक्शा लेके निकली है तो रिक्शा का पेट्रोल भी उसका खत्म हो जाएगा सो दैट इज द कॉस्ट ऑफ सपोज वो टोमेटो एक्सचेंज करना चाहती है वन वीक टू वीक थ्री वीक टोमेटो बिगड़ जाएंगे

श्रम विभाजन को प्रोत्साहन देती है पैसे की व्यवस्था कैसे फार्मर को आता है कि वो खेती बाड़ी करे तो वो एग्रीकल्चर करे ये मैकेनिक को आता है कार रिपेयर करे तो कार रिपेयर करे ये लेडी को आता है कॉल सेंटर का काम करे वो कॉल सेंटर करे सो वी विल प्रोड्यूस द कार्स वी विल रिपेयर द थिंग्स वी विल रन द कॉल सेंटर और उनमें से हमको जो पैसा मिला सैलरी का उसकी मदद मतलब से हम फार्मर से ये चीज खरीद लेंगे वीट तो मनी सिस्टम विल एनकरेज स्पेशलाइजेशन एंड डिवीजन ऑफ लेबर आपको जो काम आता है आप वो करेंगे लेकिन बार्टर सिस्टम में ऐसा नहीं होगा बार्टर सिस्टम में ये लेडी सपोज उसको कॉल सेंटर और कंप्यूटर कॉलिंग का बहुत अच्छा काम आता है लेकिन वो तीन चार जगह पर घूमती और पता चलता है कि ऐसा कोई एक्सचेंज करने के लिए मिल ही नहीं रहा है कि जो मुझे उसके सामने वीट दे मेरी सर्विस के सामने सो देन विल डिसाइड की आई विल ग्रो वीट बिकॉज दिस डबल को इंसिडेंस ऑफ वॉन्ट नहीं हो रहा है कि मैं कॉल सेंटर की सर्विस मुहैया करानी चाहती हूँ बट सामने कोई ऐसा नहीं कि उसके सामने मुझे गेहूं दे तो कॉल सेंटर की जॉब गई बाढ़ में मैं तो जाके अपने गाँव में गेहूँ ही उगाऊंगी तो फिर अपनी इकोनॉमी ग्रो नहीं कर सकती है कार रिपेयर करने वाला भी सोचे गया जाकर घर में गेहूँ उगाऊंगा सो इट डज नॉट एनकरेज स्पेशन एंड डिविजन ऑफ लेबर सो दैट इज अब बाटर सिस्टम थर्ड लिमिटेशन सपोज हम मनी सिस्टम में आते हैं सपोज ये कोई अरबी घोड़ा है रेस के लिए उसको नस्ल बहुत अच्छी है रेस का घोड़ा है सपोज ऐसा एक घोड़ा खरीदने की कीमत है पाँच करोड़ रुपए सपोज दो हजार रुपये के करेंसी नोट की मदद से इसको खरीद सकते हैं हाँ टाइम्स इतने सारे नोट आप लेके जाओ पाँच करोड़ की सूटकेस होनी चाहिए यू कैन बाइट सपोज आपके पास दो हजार के नोट हैं लेकिन आप उसको कन्वर्ट करा के पाँच सौ के चार नोट लेकर आते हैं और उसी प्रपोर्शन में पांच करोड़ की सूटकेस बना दी फिर गए तो क्या आप घोड़ा खरीद सकते हैं आंसर इज अगेन यस यू कैन बाईट टू थाउजेंड के नोट से भी खरीद सकते हैं पांच सौ के नोट से भी खरीद सकते हैं यानी ये जो कॉइन और करेंसी नोट है उसको हम डिवाइड कर सकते हैं द आंसर इज यस टू थाउजेंड का एक नोट इक्वल्स इक फाइव हंड्रेड रुपी के चार नोट क्या इनको म्यूचुअली सब्सटीट्यूट कर सकते हैं आंसर इज यस ये वाला नोट लेके जाओ तो भी मैं घोड़ा खरीद सकता हूँ ये वाले नोट लेके जाऊं तो भी मैं घोड़ा खरीद सकता हूं तो जो भी कोई चीज ऐसी प्रॉपर्टी रखती है कि उसको आप डिवाइड कर सकते हो और यूनिट्स को आपस में म्यूचुअली सब्सटीट्यूट कर सकते हो इसके सामने इतने या फिर पांच सौ रुपए का ये वाला नोट है उतने ही वैल्यू से आप ये वाले नोट को भी यूज कर सकते हैं ऐसा नहीं कि ये वाला नोट यूज किया तो ज्यादा बॉल पेन मिलेंगे ये वाला नोट यूज किया तो कम बॉल पेन मिले सेम परचेजिंग पावर सो देर फॉर कॉइन्स एंड करेंसी नोट्स आर कंसिडर टू बी

मनी सिस्टम में तो मजा है कि ये हम लोग पैसे की मदद से रेस का घोड़ा खरीद लिया 2000 का नोट है तो भी 500 का नोट है तो भी बार्टर सिस्टम में मनी है ही नहीं तो वहां पर जो भी ये सऊदी अरब का बड़ा शेख होगा उसने बोला मेरा ये अरबी घोड़ा है उसकी कीमत होगी सौ करोड़ सौ कैरेट का एक डायमंड बिकॉज दे डोंट सपोज मनी नाम की सिस्टम ही नहीं तो बार्टर सिस्टम तो ऐसा ही बोले आप ऐसा हीरा लेके आओ मुझे हीरा चाहिए और उसके सामने मैं घोड़ा देता अब प्रॉब्लम आप देखिए अगर ये सौ कैरेट का एक बड़ा हीरा है तो उसको मतलब बहुत ज्यादा मूल्यवान माना जाता है बिगर सिंगल डायमंड डायमंडर्ड टू बी मोर प्रीशियस अगर मैं इसको आरी लेके काट के उसके शॉर्ट टुकड़े कर दू कि एक, -एक डायमंड जिसमें एक एक कैरेट का हो तो मतलब ये बड़ा सौ कैरेट का एक डायमंड और सामने एक कैरेट के सौ डायमंड तो क्या दोनों एक समान है प्रेशियसनेस के हिसाब से दोनों एक समान मूल्यवान नहीं है क्योंकि डायमंड का साइज कट क्लैरिटी उस हिसाब से ये सिंगल वाला पीस वो बहुत ज्यादा कीमती है इसको मैं दे दू थ्री स्टार तो इसको मैं सिर्फ एक स्टार ही दूंगा यानी कि इनको डिवाइड तो कर सकते हैं बट आपस में इनका वैल्यू सेम नहीं है तो इनसे मैं अगर एक बॉल पेन खरीद सकूं तो इससे मैं तीन बॉल पेन खरीद सकता हूं या उससे ज्यादा द सम ऑफ दीज थिंग्स विल नॉट इक्वल टू द बिग डायमंड इन टर्म्स ऑफ वैल्यू यानी कि ये बड़ा डायमंड उसे हमको अरब शेख एक रेस का घोड़ा देगा यस yes. लेकिन इसको काट के अगर हम उसकी जगह पर सौ छोटे डायमंड लेके जाए कि वजन के हिसाब से तो सेम है बट वो बोलेगा नहीं ये घोड़ा मैं नहीं दूंगा तुम खच्चर के ही लायक हो बिकॉज द वैल्यू इज नॉट सेम यानी कि डायमंड को आप बोल सकते हैं कि उसका डिवीजन तो कर सकते हैं बट म्यूचुअल सब्सटीट्यूशन नहीं है बड़ा डायमंड इक्वल नॉट छोटा डायमंड एंड देयरफॉर बड़े डायमंड का परचेजिंग पावर नॉट इक्वल छोटे डायमंड के परचेजिंग पावर इसलिए डायमंड इज कंसिडर टू बी अ नॉन फंजिबल टाइप ऑफ कम्युनिटी बार्टर सिस्टम में हर एक चीज में बहुत ज्यादा जगह पर ये प्रॉब्लम आती है फंजिबल नहीं फंजिबल नहीं है इसलिए ट्रेड का प्रॉब्लम और बढ़ता है व्हाट अबाउट गोल्ड सपोज से एक ये बोले मेरे एक घोड़े का दाम होगा टू फिफ्टी ग्राम्स ऑफ गोल्ड तो अगर आप ऐसी एक बड़ा बिस्किट लेके जाओ आपको वो दे देगा आंसर इज यस सपोज आपने ये बिस्किट बिस्किट को एल्ट कर दिया पिघला दिया और छोटे छोटे बिस्किट बट उनका कलेक्टिव वेट हो 25 ऐसे बिस्किट है हर एक का 10 10 ग्राम 250 ग्राम है और वो आप लेकर गए तो आपको गोला देगा द आंसर इज यस वाई क्योंकि प्रेशियस मेटल के केस के में ऐसा नहीं कि बड़ा बिस्किट तो ज़्यादा प्रेशियस है नहीं वो तो वजन के हिसाब से देखता है शेप के हिसाब से नहीं एंड इन केस ऑफ गोल्ड वाट विल हैपन डिजन कर सकते हैं हाँ बड़े बार को छोटे बार में डिवाइड कर सकते हैं क्या उनका आपस में म्यूचुअल सब्सटीट्यूशन पॉसिबल है यस yes. ये बार का परचेजिंग पावर इक्वल्स ये बार का कुल मिलाकर परचेजिंग पावर सो देर फॉर गोल्ड बार्स सिल्वर बार्स प्लेटिनम बार्स ये सब के केस में जवाब क्या है दे आर फंजीबल इन नेचर एंड लास्टली शेयर बॉन्ड डिबेंचर अब ये चीजें क्या है वो भी हम लोग पढ़ेंगे बट पिलर वन सी में अभी तो इंट्रोडक्शन में मैं सिर्फ इतना आपको बोलूँ शेयर बॉन्ड डिबेंचर ये ऐसी चीज है जिसकी मदद से कंपनी वाले लोगों को बोलते हैं आप इसमें इन्वेस्ट करिए और मैं आपकी ये सब पूंजी को इस्तेमाल करके कंपनी को बनाता हूँ अंबानी की उनके कंपनी के जियो कंपनी के दस रुपए के शेयर है ये एक तरफ हो गया और उनके छोटे भाई अनिल अंबानी की कंपनी के दस रुपए के शेयर से तो लिखा तो शेयर पे लिखा है दस रुपए दस रुपए ही बट क्या आपस में इनको सब्सटीट्यूट कर सकते हैं द आंसर इज नो क्योंकि ये मुकेश अंबानी की कंपनी हो सकता है वो प्रॉफिट करके आपको प्रॉफिट में से दो रुपया मिले ये शेयर होल्डिंग के हिसाब से और अनिल अंबानी की कंपनी ऐसी है कि उसका प्रॉफिट होता है नहीं तो जीरो रुपीज आपको उसमें से कुछ रिटर्न या प्रॉफिट या डिविडेंड निकल के आएगा सो देर फोर यू कैनॉट एक्सचेंज देम विथ ईच अदर इसलिए बोला जाता है शेयर बॉन्ड एंड डिवेंचर दे आर नॉन फंजिबल इन नेचर क्वेश्चन hmm. मुकेश अंबानी की कंपनी के दस रुपए का एक शेयर है और दस रुपए का दूसरा शेयर है तो आपस में फंजिबल है हाँ उस केस में है बट इन जनरल अगर बोला जाए एक कंपनी का शेयर सामने दूसरी कंपनी का शेयर तो एमसीक्यू में जवाब क्या है नॉन फंजीबल इन नेचर ऐसा क्यों है बस टेक्स्ट बुक में दिया वी हैव टू प्रिपेयर और शेयर बॉन्ड बॉन्डिवेंचर के बारे में हम और भी आराम से पढ़ेंगे पिलर वन सी में तो मित्रों यहां पर आज का कार्यक्रम इधर तक रखते हैं दिस इज हैंड के अंदर पेज फोर में शुरुआत तक हमने देख लिया एंड आउट की खूबी ये देखेंगे इसमें भी पहले थे उससे ज्यादा मैंने कुछ चेंजेस किए हैं फॉर्मेट में ये फोटोग्राफ क्या दिखाता है ये फोटो देख के ही आपको पता चल जाएगा पूरा मैटर क्या है ये जो महिला बैठी थी डबल को इंसिडेंस ऑफ वन तो ये इमेजेस मैंने इसलिए दिया ताकि आपको एक फिजिकल बुक होता तो पन्ने घुमा के हमको एक सेंस ऑफ जोग्राफी सेंस ऑफ माइल्ड स्टोन कि हाँ लक्ष्मीकांत का ये चैप्टर खत्म हो ये चैप्टर अभी तो कोरोना लॉकडाउन के चलते हम प्रिंट निकाल नहीं सकते बट अगर ऐसे इमेजेस होते हैं तो माई स्टोन हाँ ये खत्म हुआ ये खत्म हुआ इट विल गिव यू अंस ऑफ माइ स्टोन सेकेंड हेडिंग में ज्यादातर ऐसे इमोजी आईकॉन्स रहते हैं जैसे कि ये वाला हेडिंग क्या डिसएडवांटेजेस और बाजू में लिखा ये देखो टोमेटो है और ये कौन है देख के पता चले पूरे मैटर क्या है ये एक दो बार अभी पढ़ना है फिर वो हर बार देखने की तो पता ही चल जाए ये पूरा मुद्दा क्या था सो लाइक दैट द हैंड आउट इज क्रिएटेड आपका काम क्या है ये आज जो पढ़ा आज तो हमने इतना ही पढ़ा है वो तैयार करके रखना कल से हम लोग फुल फ्लेज फुल लेंथ में पूरी इकोनॉमी पढ़ना शुरू करते हैं गुरु शुक्र शनि रवि मिलते रहेंगे एंड लाइक दैट वी शैल कंटिन्यू सो आई लैंड द क्लास हियर और आप लोग यहाँ तक बैठे रहे दैट शोज दैट यू आर वेरी इंथ्यूजिक अबाउट दिस कोर्स एंड सडनली अच्छे रिजल्ट की उपेक्षा अपेक्षा कर सकते हैं वी कैन एक्सपेक्ट गुड रिजल्ट सो आई लैंड द क्लास एंड सी यू टुमारो नाइट